सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 301वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का प्रथम पाद हमने शुरू किया था, उसका प्रथम अधिकरण चल रहा है और दूसरे सूत्र का भाष्य हम देख रहे थे। प्रसंग ये है कि जो धर्मों का उल्लेख किया गया वो याग के लिए है या अपूर्व के लिए है। पूर्व पक्ष कह रहा है वो याग के लिए है, अगर वो याग के लिए हो तो सब यागों में प्राप्त होने लगेगा, अंतराग्नादि में सौर्यादि में सभी जगह प्राप्त होगा। और यदि ये अपूर्व के लिए है तो अपूर्व के भेद होने से कर्म का भी भेद माना जाएगा और वो धर्म जिस अपूर्व के लिए कहे गए हैं वहीं लगेंगे, अन्य यागों में जहां भिन्न अपूर्व है वहां पर वो नहीं जाएंगे। ये सिद्धांति का मत है। तो इसमें जो दोनों के तर्क वितर्क चल रहे थे, अपने अपने पक्ष की निवृत्ति कर रहे थे, सिद्धि कर रहे थे, तो उसी प्रसंग में आगे देखते हैं दूसरे सूत्र का भाष्य बीच में देख रहे हैं, पृष्ठ संख्या 2039। तो पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि ये धर्म जो है वो याग के लिए कहे जा रहे हैं। पीछे कहा था यदानुवादस तदा धर्म संबंधार्थः सच धर्म संबंधो यागानुवादे नैव तयोः सिद्धः। याग के साथ में इन धर्मों को जोड़ा गया है तो उस याग मात्र के लिए। उसके उत्तर में सिद्धांती कहता है ननु निवृत्ति करो भविष्यति। ये जो दशपूर्ण मास शब्द का यहां पर प्रयोग किया है वो सब यागों की और जगह के लिए नहीं होगा, वो अन्यों की निवृत्ति कर देगा। दशपूर्ण मासौ एव इत्थम कुर्यात् न अन्यानिति। दशपूर्ण मास को ही इस तरह से करना चाहिए, न अन्यान अन्यों को नहीं, अन्य यागों को नहीं। तो इसका मतलब जिन धर्मों को यहां पर कहा गया है उन धर्मों के द्वारा दशपूर्ण मास को ही करना चाहिए, अन्यों को नहीं, ये अन्यों की निवृत्ति कर देगा विशेषण। इसमें पूर्व पक्षी कहता है नैवम शक्यम, ये हो नहीं सकता है। क्यों? यत करणम न तस्य अन्य निवृत्तिर अर्थः। जो करण है यानी करण कारक है वो अन्यों की निवृत्ति नहीं कर सकता। करण कारक से यह मतलब है दर्शपूर्ण मासाभ्याम में तृतीय बहुवचन है वो करण कारक है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेता, हमारा विषय वाक्य ये था। तो दर्शपूर्ण मास के द्वारा यजन करे तो यहां पर यह करण कहा गया है, ये निवृत्ति को नहीं करने वाला है। पूर्व पक्षी कहता है कि जो करण विभक्ति है यह निवृत्ति नहीं करेगी दूसरों की। यत करणम न तस्य अन्य निवृत्ति अर्थ, अन्यों की निवृत्ति करना इसका अर्थ नहीं है। इस पर सिद्धांति कहता है नरू परिसंख्या या भविष्यति, नहीं परिसंख्या से हो जाएगा, इन्हीं का करना है यानी अन्यों का नहीं करना है, परिसंख्या विधि से हो जाएगा। पूर्व पक्षी फिर कहता है नात्र परिसंख्या युज्यते, बोले यहां तो परिसंख्या लग ही नहीं सकती है। क्यों? यदि अन्येन वाक्येन याग मात्रे धर्म प्रसंग कृत स्यात् तथा एतत् पुनर्वचनम परिसंख्याम कुर्यात्। पहले परिसंख्या तो तब हो सकती थी जब पहले किसी अन्य वचन से याग मात्र में इन धर्मों को कह दिया गया होता और फिर दशपूर्ण मासाभ्याम ये जेता कहते तो अब ये परिसंख्या विधि करता कि इसी में होगा अन्यों में नहीं होगा, लेकिन पहले तो ऐसा कोई कहा नहीं गया इसलिए ये परिसंख्या नहीं हो सकता। अतः पुनः असति प्रसंगे अनेनैव प्रसंगो अनेनैव निवृत्ति रीति ने, ने यहां पर जोड़ लीजिए प्रसंगो अवग्रह के बाद ने, अनेनैव निवृत्ति रीति अतिभार एकस्यैव वाक्यस्य भवति। और अगर आप यूं कहो, सिद्धांति को कह रहा है पूर्व पक्षी कि असति प्रसंगे, प्रसंग नहीं है
लेकिन अनेनैव, यानी इसी वाक्य से प्रसंग भी आ जाएगा और इसी वाक्य से निवृत्ति भी हो जाएगी। बोले दो बातें यहां पर नहीं हो सकती, एक वाक्य से दो विधियां नहीं हो सकती। इसके लिए इन्होंने देखो किस तरह प्रयोग किया, अतिभार एकस्यैव वाक्यस्य भवति, एक वाक्य के लिए ये अतिभार हो जाता है। अभी तक क्या करते हैं, नास्ति वचनस्य अतिभार है, वचन को कुछ अतिभार नहीं है। वो उस संदर्भ में कहा जाता है कि वचन में जो कह दिया वो हो ही जाता है, लेकिन पहले जैसे हमेशा कहते रहे हैं उसी बात को यहां पर कहा है, लेकिन शब्द अलग हैं कि वाक्य भेद हो जाएगा, दो विधियां नहीं हो सकती। ये तो पहले भी कह सकते थे, ये वाक्य दो विधि नहीं कर सकता, यानी वाक्य दो विधियां करने में समर्थ नहीं है। उसी को यहां पर कहा अतिभार एकस्यैव वाक्यस्य भवति, एक वाक्य के लिए ये अतिभार हो जाएगा, ये दो विधियां नहीं कर सकता एक वाक्य, उसकी सीमा है। तो नास्ति वचनस्य अतिभार है, बिल्कुल छुटा हुआ नहीं है कि कुछ भी कर देगा वाक्य, वाक्य एक ही विधि करेगा या गुण विशिष्ट विधि करेगा, जो नियम है उन्हीं का पालन करेगा, अन्य कुछ मनमाना कुछ नहीं कर सकता है वो। अतिभार एकस्यैव वाक्यस्य भवति, इस पर सिद्धांत कहता है एवं तरहि नात्र यजेत इति शब्दो धर्म विधि भी संपद्यते, यजेत इत्थमिति। बोले अगर ऐसा है भी तो भी ये जो यजेत है ये शब्द तो धर्म विधियों से तो जुड़ नहीं सकता है। धर्म की जो विधियां हैं, प्रसंग यही चल रहा था कि धर्म याग से जुड़ रहे हैं या तो अपूर्व से जुड़ रहे हैं, तो पूर्व पक्षी तो याग से जोड़ रहा था, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ये याग धर्म से, धर्म जो है ये याग से तो फिर भी नहीं जुड़ सकते। अगर धर्म याग से जुड़ते हैं तो क्या वाक्य बनेगा, किस तरह नहीं जुड़ सकते, उसी को आगे खोला है। यजेता इत्थम इति, इस प्रकार से यजन करें, जो धर्म है वही तो इति कर्तव्यता को बताते हैं, इत्थम ऐसे ऐसे करे, इन इन धर्मों से युक्त होकर के करे। तो धर्म जब याग से जुड़ेंगे तब यही वाक्य यही अर्थ आएगा जो आगे लिखा है यजेता इत्थम इति। बोले इस तरह से नहीं जुड़ सकते। केन तरही, तो सिद्धांति बोलता है दर्शपूर्ण मास शब्दे न, ये जो धर्म है ये दर्शपूर्ण मास शब्द से जुड़ेंगे, याग से नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं, दर्शपूर्ण मास शब्द देने का मतलब है याग का संबंध दर्शपूर्ण मास से होगा, याग का संबंध धर्मों से नहीं होगा, दर्शपूर्ण मास से होगा। तो जब क्यों, तो बोले प्रत्यक्षो ही तेन अस्य संयोग, क्योंकि उसके साथ में यानी दर्शपूर्ण मास के शब्द के साथ में इसका यानी याग का संयोग जो है वो प्रत्यक्ष है। कैसे, ये देखो वाक्य में दर्शपूर्ण मास में हम यजेत है, सीधे सीधे संबंध जुड़ा हुआ है। परोक्षो धर्म विधि भी, और जो आप धर्म की विधियों के साथ में याग का संबंध कर रहे हैं, दर्शपूर्ण मास के साथ तो प्रत्यक्ष संबंध है और धर्मों के साथ में जो याग का संबंध कर रहे हैं वो तो परोक्ष है, सीधे सीधे संबंध नहीं जुड़ रहे हैं। पूर्व पक्षी कहता है कस तदा वाक्यार्थ, तो फिर इस वाक्य का अर्थ क्या होगा, किस पक्ष में, जब ये सिद्धांती ने कहा कि याग दर्शपूर्ण मास शब्दों से जुड़ेगा और जो याग जो है दर्शपूर्ण मास से जुड़ेगा, धर्मों से नहीं जुड़ेगा, ये जो कहा, तो बोले वाक्यार्थ बोध क्या होगा, दर्शपूर्ण मास सभ्य हम ये जेता, इसका मतलब क्या होगा। तो सिद्धांति कहता है दर्शपूर्ण मास हो कुरिया दिति, दर्शपूर्ण मास करे, ये अर्थ निकलेगा, दर्शपूर्ण मास सभ्य हम ये जेता, इसका मतलब है दर्शपूर्ण मास हो कुरियात। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है नैवम शक्यम, बोले ये तो नहीं कर सकते आप, यदि आप ऐसा करोगे तो एवं सती धर्मा असंबद्धा पारिप्लवा भवंती, अगर आप याग का संबंध दर्शपूर्ण मास से कर देते हो और दर्शपूर्ण मास करो ये कहा, तो वो जो धर्म कहे गए हैं वो तो निराधार हो जाएंगे, किसी से जुड़ेंगे ही नहीं, और किसी से नहीं जुड़ेंगे तो मतलब असंबद्ध रहेंगे, असंबद्ध होंगे तो पारिप्लवा भवंती, जैसे तैरते हैं ना परिप्लव, ऊपर ऊपर तैरते हैं, तो तैरते कैसे, डावाडोल होता है ना तैरते समय, तो इधर उधर उधर स्थिर तो रहता नहीं है, तो डावाडोल हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे, पारिप्लवा भवंती, अस्थिर होंगे, क्षुब्ध होंगे, उद्विग्न हो जाएंगे, फिर ये कि हम कहां जाएंगे, नहीं। मान लीजिए कई जने बैठे हुए हैं और सबके लिए कुछ नौकरी वोकरी बताई जा रही है, इनके लिए ये, इनके लिए ये, तो जिनका नाम आता जाता है वो तो संतुष्ट होते जाते हैं, और सूची समाप्त हो गई और जिनका नाम नहीं आया, जिनका संबंध नहीं जुड़ा नौकरी से, तो फिर अस्थिर हो जाते हैं, अस्थिर हो जाएंगे, वो स्थिर नहीं रह पाए, उनको गड़बड़ हो जाती है शुरू।
अंदर की स्थिरता अस्थिरता होती है, वो शरीर में भी फिर अस्थिरता आ जाती है। तो ऐसे ही ये धर्म भी अस्थिर हो जाएंगे, पारिप्लव हो जाएंगे, पानी पर यूं ही कहीं जुड़ेंगे नहीं, कहीं पानी में। अब ये इधर आना सागर में पानी के अंदर प्लास्टिक और ये सब आता रहता है ना, परिप्लव होता है, कहीं इस किनारे पे आ गया, उधर चली तो उधर चला गया, कोई स्थिरता तो है नहीं उसकी, कहीं भी इधर और उधर चला जाएगा, ये दोष आ जाएगा, परिप्लवा भवंती। तो कथम कृत्वा सिद्धांति ने पूछा, तो कहा ये यम आख्याति की विभक्ति ये जेतयती सा दर्शपूर्ण महासयोग कर्तव्यताम विदधाती। बोले आपने जो अर्थ किया था दर्शपूर्ण मास में हम यजेत, तो दर्शपूर्ण मासौ कुर्यात, तो ये जो आख्यात विधि आख्याति की विभक्ति थी ये किससे यजेत, ये दर्शपूर्ण मास की कर्तव्यता को का विधान कर रही है, धर्मों की कर्तव्यता का विधान थोड़ा ना करेगी फिर। धर्मस्य विधानम अस्मिन वाक्य तो नास्ति, अन्य अस्मिन वाक्य वर्तते वा कथम अत्र दर्शनम भवति न जायते। विधान तो अन्य जगह पे वो याग के साथ में जुड़ेगा नहीं, धर्म तो कहे गए हैं, धर्म तो कहे गए हैं, उसका तो कोई दो राय नहीं है। तो अस्मिन वाक्य तो नास्ति एव अनेन संबंध किमर्थम इच्छति, नहीं तो वो जुड़ेंगे किससे। दस पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत एतावत एव अस्ति, धर्माणाम कथनम तो भिन्न वाक्य है, तो भिन्न वाक्य है तो वो किससे जुड़ेंगे। दर्शपूर्ण मास उकुरियात, बस दर्शपूर्ण मास करे, याक से तो नहीं जुड़े ना वो। अगर दर्शपूर्ण मास से जोड़ भी देते हैं ठीक है, धर्म विधान बात सुनिए, बात सुनिए, यदि दर्शपूर्ण मास से जोड़ भी देते हैं तो वो धर्म दर्शपूर्ण मास से ही जुड़ेंगे, सब सब यागों में नहीं जाएंगे ना। पूर्व पक्ष ये कह रहा है याग से जुड़ेंगे, याग से जुड़ेंगे तो सब यागों में जाएंगे, उसका पक्ष वो है। अब सिद्धांति ने कह दिया दर्शपूर्ण मासो कुरियात, और उसके साथ ये धर्म जुड़ भी गए तो किससे जुड़ रहे हैं, याग से नहीं जुड़ रहे हैं, दर्शपूर्ण मास से जुड़ रहे हैं। तो जहां जहां दर्शपूर्ण मास होगा वहां वहां जाएंगे, बाकी जगह नहीं जाएंगे। और वो याग से जुड़ रहा था तो जहां जहां याग है वहां वहां जाएंगे, मतलब वो तो सब जगह चले जाएंगे। धर्म विधान वाक्य में कदा ज्ञापयन्तु चित्रम स्पष्टम न भवति, चित्र कोई नहीं है वहां पर। धर्मों का विधान आता रहा है उसको यहां पर कहने की बात नहीं है, प्रयाज हैं, अनुयाज हैं, और जो सोम क्रयण है, गाय का दोहन है, शाखा से अपहरण है, अपाकरण है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आधान है ठीक है, आहुतियां हैं, सोमपान है, रस निकालना है, बहुत सारी चीजें बता रखी, जो जो जहां जहां पर है, प्रोडाश का बनाना है, उसका विभाग करना है, निस्तुषीकरण है, और गिनो। ये सब क्या है, ये धर्म ही तो है, कितने आ चुके हैं, ये धर्म ही तो है, ये इति कर्तव्यता कोई तो बता रहे, यजन कैसे करे। अब यजन में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सब उसके धर्म ही तो माने जाएंगे। देखिए आगे, तो सादर्शपूर्ण मासे को कर्तव्यताम विदधाती, तत्र कथम याग मात्रेण याग विशेषेण वा धर्म संबंध स्यात्। तो ऐसा करने पर ये जो धर्मों का संबंध है ये याग मात्र से, मतलब याग सामान्य से, और याग विशेषण याग विशेष से धर्म का संबंध हो ये तो कुछ नहीं आ रहा है यहां। विधायिका विभक्तिर नास्ति इति असंपत्ता धर्मा भवन्ति, वहां विधायिका विधि नहीं है, विधान करने वाली विभक्ति नहीं है, विधायिका विभक्तिर नास्ति, इसलिए वो असंपद्ध हो जाएंगे। ये याग से जुड़ेंगे तो याग मात्र यानी याग सामान्य से जुड़ेंगे अथवा याग विशेष से जुड़ेंगे, इसका तो कोई निर्णय हो नहीं रहा है वहां पर, विधायिका विधि नहीं है, इसलिए वो बस ऐसे ही अस्थिर रहेंगे। तो ये पूर्व पक्षी ने कहा था, इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है नहीं दोष है, ये कोई दोष नहीं है, न वयम वाक्य न धर्माणाम संबंधम करिष्याम, और हम वाक्य से धर्मों का संबंध इससे नहीं करेंगे, केन तरही प्रकरण है ना, प्रकरण से कर लेंगे, कथम कर्तव्यतायाम चोदितायाम इति कर्तव्यता कांक्षा भवती कथम कुरिया देती, जब कर्तव्यता कही गई है दर्शपूर्ण मासो कुरियात, तो कर्तव्यता कही है तो इति कर्तव्यता की आकांक्षा स्वतः आएगी, स्वभावतः आएगी कि भाई कैसे करें,
और वो होने पर कथम कुर्यादिति प्रकरणेन धर्मा संबध्यन्ते इत्थम कुर्यादिति, और प्रकरण से वो धर्म वहां पर जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से करें। लेकिन इसमें होगा क्या, इससे वो दर्शपूर्ण मास से जुड़ेंगे, जैसी व्याख्या सिद्धांति ने की है दर्शपूर्ण मास से जुड़ेंगे, याग से नहीं जुड़ेंगे, इसलिए सब जगह नहीं जा पाएंगे ये धर्म। सिद्धांति की बात, सिद्धांति का पक्ष इससे पुष्ट होता है, पूर्व पक्षी ऐसा नहीं चाहता है। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है नैवम शक्यम, बोले ये नहीं हो सकता है। क्यों, यदा ही दर्शपूर्ण मासो कर्तव्यतया चोद्येते तदा इति कर्तव्यता कांक्षा एव नास्ति। जब आप दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेतक हो दर्शपूर्ण मासौ कुरियात ऐसा करके आप विधि वहां ले जा रहे हो, तो कर्तव्यता दर्शपूर्ण मास की कर्तव्यता कही जा रही है, तो इति कर्तव्यता की आकांक्षा ही नहीं रहती है, रहती है। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि यहां इति कर्तव्यता की आकांक्षा ही नहीं रहती है। क्यों, बोले प्रज्ञाता इति कर्तव्यतात्वात् तयोः, प्रज्ञात इति कर्तव्यतात्वात् तयोः, इन दोनों के ज्ञात इति कर्तव्यता वाला होने से दर्शपूर्ण मास की इति कर्तव्यता ज्ञात है, इसलिए यहां पर कहने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञात है तो आकांक्षा नहीं होगी। असत्याम च इति कर्तव्यता आकांक्षायाम प्रकरणमेव नास्ति। अगर आप कहो कि यहां इति कर्तव्यता की आकांक्षा नहीं है, अब नहीं कहो मतलब पूर्व पक्षी कह ही रहा है इति कर्तव्यता की आकांक्षा नहीं है। इति कर्तव्यता की आकांक्षा क्यों नहीं है, क्योंकि वो ज्ञात प्रज्ञात है, प्रज्ञात है इसलिए आकांक्षा नहीं है, और आकांक्षा नहीं है तो बोले फिर प्रकरण भी नहीं है। प्रकरण तो तब लगेगा जब आकांक्षा हो, इति कर्तव्यता की आकांक्षा हो। तो सिद्धांति ने कहा था कि प्रकरण से लग जाएगा, इति कर्तव्यता की आकांक्षा होगी और प्रकरण से यहां धर्म आ जाएंगे। उसने कहा इति कर्तव्यता की आकांक्षा ही नहीं है तो इसलिए प्रकरण भी नहीं लगेगा, प्रकरणमेव नास्ति एवं तरही उक्तम, इसलिए तो पहले कहा था संयुक्तम प्रकरणाद इति कर्तव्यतार्थित्वात्। पीछे सूत्र आया ये तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का ग्यारहवां सूत्र है, नीचे 33-4 लिखा हुआ है, इसको 3-3 कर लीजिए, सूत्र तो ग्यारहवां ही है। तो इसका अर्थ यह है कि जब श्रुति लिंग और वाक्य से इति कर्तव्यता न पता लग रही हो, जब श्रुति लिंग वाक्य से इति कर्तव्यता पता नहीं लग रही हो तो प्रकरण से आ जाती है, क्योंकि इति कर्तव्यता की अर्थिता है वहां पर। सिद्धांत कह रहा है एवं तरही नैवात्र यागे धर्मा विधीयन्ते, लेकिन तो भी बोले याग में तो धर्मों का विधान फिर भी नहीं किया जा रहा है, और ना भी दर्शपूर्ण मास है वो कर्तव्यता उच्यते, और फिर दर्शपूर्ण मास की कर्तव्यता भी नहीं की जा रही है। किम तरही, बोले दर्शपूर्ण मास अभी हम यजेता। तो ये पहली बात तो कह रहे हैं दर्शपूर्ण मास अभी हम यजेता, इस पर इसके ऊपर सिद्धांति कह रहे हैं कि ना तो यहां पर याग में धर्म का विधान किया गया है इस जगह पर, और न ही दर्शपूर्ण मास की इति कर्तव्यता, यहां पर कर्तव्यता दर्शपूर्ण मास की कर्तव्यता कही जा रही है। बोले क्या कही जा रही है, दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेता इति, इस वचन से पदद्वयेन विशिष्टम यागम अनुद्य अत्र धर्मा विधीयन्ते। बोले इन दो पदों के द्वारा, दर्शपूर्ण मास के द्वारा, इन दो पदों के द्वारा याग का अनुवाद करके धर्मों का विधान किया जा रहा है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत इत्थम इति, दर्शपूर्ण मास से याग करे इस प्रकार करे। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है एवं अपि दर्शपूर्ण मासाभ्याम इति अनुवादो न युज्यते। बोले इसमें भी दर्शपूर्ण मासाभ्याम ये अनुवाद तो संगत होता नहीं है। क्यों, तृतीयार्थस्य असिद्धत्वात्। तो दर्शपूर्ण मासाभ्याम में जो तृतीया विभक्ति है इसका कोई प्रयोजन नहीं रहा, यदि आप इसका अनुवाद करके कर रहे हो तो तृतीया विभक्ति नहीं आनी चाहिए थी, तृतीया विभक्ति व्यर्थ होती है। पूर्ववान अनुवादो भवति, क्योंकि अनुवाद जो होता है वो पहले वाला होता है, पहले ज्ञात होता है, और अपूर्वश्च तृतीयार्थ, तृतीया का अर्थ जब भी आता है वो नया होता है, पहले वाले को उद्धृत नहीं करता है, वो नया हो रहा है। सो अवश्यम विधातव्य, इसलिए इसका विधान तो करना चाहिए। और तस्मिश्च विधीयमाने, इसके तृतीयार्थ के विधीयमान होने से यानी दर्शपूर्ण मास के विधीयमान होने से अन्यत एव असंबद्धम आपद्यते, फिर तो कोई अन्य ही असंबद्ध बात आ जाएगी। क्या, दर्शपूर्ण मासौ यजेह करणमिति, ये असंबद्धता आएगी कि याग करे, और दर्श और पूर्ण मास हैं वो याग के करण हैं, क्योंकि तृतीया विभक्ति करण में आएगी, साधक तमम करणम। तो याग को कैसे करें,
दशपूर्ण मास के द्वारा करे, दशपूर्ण मास उसके करण हो जाएंगे, ये गलत बात आ जाएगी। तस्मात् स एव प्रथमः पक्षो अस्तु, पहले वाला पक्षी होना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है यागानुवादेन धर्माणां विधिरिति, याग का अनुवाद किया गया है और धर्मों की यहां पर विधि की जा रही है। इस पर सिद्धांति कर रहे हैं ननु तत्रापि दशपूर्ण मास अभ्याम इति एतत् न संबध्यते। बोले आप ऐसा अर्थ कर भी लोगे कि याग का तो अनुवाद है और धर्मों की विधि है, तो ये जो दशपूर्ण मास अभ्याम है इसका तो संगति यहां लग नहीं रही है, ये तो असंबद्ध हो जाएगा, वाक्य में तो कहा गया ये। तो दशपूर्ण मास अभ्याम इति एतत् न संबध्यते, इसका संबंध यहां पर जुड़ ही नहीं रहा है, जिस तरह से आप अर्थ कर रहे हो उसको छोड़ के कर रहे हो। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु संबध्यते, नहीं जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? बोले काल वचन सन प्रायिको नित्यानुवादो भविष्यति। ये जो दशपूर्ण मास अभ्याम है काल का वाचक मान लेंगे, और प्रायिक होने से कि प्राय करके ये कर्म दर्श और पूर्ण मास को होते हैं, अमावस्या और पूर्णमासी को होते हैं, तो ये नित्यानुवाद हो जाएगा। कभी नहीं भी होता है लेकिन नित्यानुवाद प्राय करके होता है तो हो जाएगा। अब इसको करण के रूप में ही ले लेंगे, साधन के रूप में गुण भाव हो जाएगा इसका, याग के ये गुण माने जाएंगे काल, ऐसा अर्थ हम ले लेंगे, हम संगति लगा लेंगे। प्रायेण यागानाम दर्शपूर्ण मास कालत्वात्, ये जो प्रायिको नित्यानुवाद है तो प्रायिक को कह रहे हैं कि प्राय करके दर्शपूर्ण मास याग जो होते हैं वो दर्शपूर्ण मास के काल वाले होते हैं, यानी उसमें होते हैं। और तृतीय आचक कालस्य अर्थकृतम गुण भावम आलोच्य उपपद्यते, और ये जो तृतीय है वो काल के अर्थकृत गुण भाव को देख करके, काल का गुण भाव यानी काल साधन बनेगा इसके करने में, और वो गुण भाव कैसे बन रहा है, अर्थकृत है, प्रयोजनवशात है, क्योंकि बिना काल के तो ये कर्म हो ही नहीं सकते। तो तृतीय आचक कालस्य अर्थकृतम गुण भावम आलोच्य आपत्यते, आलोच्य उपपद्यते सिद्ध हो जाती है, तृतीय विभक्ति ऐसे सिद्ध हो जाएगी, संगत होगी। तथा चेत सर्वे धर्मा सर्वार्था भवन्ति, और ऐसा हो जाता है तो चूंकि ये धर्म याग से जुड़ेंगे और काल को गुणभाव के रूप में ले लेंगे तो सभी धर्म याग में आ रहे हैं, तो सभी यागों में आ जाएंगे। सर्वे सर्वार्था भवन्ति, सर्वे धर्मा सर्वार्था भवन्ति, पूर्व पक्षी ने अपनी बात सिद्ध की। इस पर अब सिद्धांति कहता है तीसरा सूत्र, चोदना शेष भावाद्वा तदभेदाद व्यवतिष्ठेरन उत्पत्तेर गुणभूतत्वात्। तो विधि के अशेष भाव होने से जो कुछ वहां पर धर्म कहे गए हैं प्रयाजादि धर्म, चोदना अशेष भावत्वात्, हाँ चोदना शेष भावत्वात्, ठीक है। तो ये दर्शपूर्ण मास विधि के शेष भाव होने से, जो यहां विधियां की गई हैं प्रयाजादि की, उनके शेष भाव होने से, विधि के शेष भाव होने से, ये जो धर्म बताए गए हैं ये विधि के शेष भाव हैं। चोदना शेष भावत भावाद्वा तदभेदात व्यवतिष्ठेरन, और इनमें भेद होने से, क्योंकि ये जो भावना है इसके भेद होने से, व्यवतिष्ठेरन ये अलग अलग ही होंगे, सब जगह नहीं जाएंगे। उत्पत्तेर गुणभूतत्वाद, क्योंकि ये जो उत्पत्ति है यानी गुणों की उत्पत्ति है प्रयाजादि की, इसकी गुणभूत होने से, गुणभूत है तो किसी प्रधान के लिए है तो बस उसी से जुड़ करके रहेंगे। भाष्य, कर्म चोदनायाः शेष भूतो धर्म समामनायाः, ये जो धर्म का समामनाय है, समूह है, ये कर्म की विधि का शेष भूत है। एक देश भूता इत्यर्थः, शेष भूत है मतलब उसका एक देश है, एक भाग है। दशपूर्ण मासाभ्याम यजेत, दशपूर्ण मास से यजन करे, ये जो वाक्य है अनया अग्निन्वाधानादिकया इति कर्तव्यता, तो दशपूर्ण मास अभ्याम यजेता का मतलब हो गया इस अग्नि के अनवाधान आदि विधियों के की इति कर्तव्यता से इसको करे। दशपूर्ण मास से यजन करे, इसका मतलब क्या हुआ कि दशपूर्ण मास की ये जो इसमें जो अग्नि का आधान है इत्यादि जो इति कर्तव्यता है उसके माध्यम से करें, यानी धर्मों को ये ले, धर्मों इनके माध्यम से करें। तस्याम चोदनायाम यजेर गुण भाव श्रूयते, और इस विधि में इसमें यजी का गुण भाव प्रतीत हो रहा है। यजन करें मतलब इसी रीति से करें, तो यजी का यहां पर गुण भाव सुना जा रहा है दशपूर्ण मासाभ्याम इति।
दशपूर्ण मास के द्वारा, तो दशपूर्ण मास भी यागी हैं, तो दशपूर्ण मास के द्वारा तो याग का यहां पर गुण भाव प्रतीत हो रहा है। दशपूर्ण मास शब्द ही यजीवचन, ये जो दशपूर्ण मास शब्द है वो यज का वाचक है। करण भाव वो अत्र यजे श्रूयते, यहां जो करण भाव है ये यजन का सुना जाता है कि दशपूर्ण मासाख्ये न याग समुदाय न अन्यत कुर्यादिति। दशपूर्ण मास अभी हम यजेता का मतलब पूर्व पक्षी तो यहां ले रहा था कि दशपूर्ण मास को करण मानेंगे और यजन प्रधान माना जाएगा। सिद्धांत ये कह रहा है कि यहां पर यजन भी करण के रूप में ही है। वो कैसे है? कि दशपूर्ण मास नामक याग के समुदाय से अन्य कोई चीज करे, यानी प्रयोजन कुछ और है, याग प्रयोजन नहीं है। तो दशपूर्ण मास अभी हम यजेता में दशपूर्ण मास नामक याग करे के द्वारा कुछ सिद्ध करे, अपूर्व को फल को प्राप्त करे। यत ततो अन्यत, और जो उससे भिन्न है, याग से भिन्न है, तत्कर्तव्यता चोद्यते न यजि, वो कर्तव्यता के रूप में कहा जा रहा है, यजन कर्तव्यता के रूप में नहीं कहा जा रहा है। याग करना है बस, यही प्रयोजन है। और वो क्या है? अन्य अपूर्वम च तत्, वो अपूर्व है। उसे पूर्व पक्षी कहता है ननु फलम अत्र वाक्य श्रूयते स्वर्ग कामो यजेत इति। बोले यहां तो फल कहा गया है, तो जब फल कहा गया है तो इसका मतलब है कि याग अपूर्व के लिए नहीं है, फल के लिए है। स्वर्ग कामो यजेत दशपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, तो याग से फल की प्राप्ति दिखाई गई है, याग से अपूर्व उत्पन्न होता है यह थोड़ा कहा गया है। इसलिए अपूर्व अन्य नहीं हो सकता है, फल ही अन्य हो सकता है। ननु फलम अत्र वाक्य श्रूयते स्वर्ग कामो यजेत इति तत्कर्तव्यम स्यात्। तत् मतलब वो फल, वो फल कर्तव्य के रूप में मानना चाहिए, अपूर्व क्यों कह रहे हो? तो सिद्धांती कह रहा है सत्यम श्रूयते, ये ठीक है कि यहां ये फल सुना जा रहा है, लेकिन न तु तद यजिना क्रियते, लेकिन ये जो फल है तत् मतलब फल, तो यजन के द्वारा नहीं किया जाता है, याग के द्वारा फल की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? विनष्टे यजो तद्भवति, याग के समाप्त हो जाने पर फल होता है। यदि याग से ही फल हो सीधे, तो जिस समय फल हो रहा है उस समय याग को भी होना चाहिए, लेकिन जब फल होता है तब याग नहीं होता, याग तो समाप्त हो जाता है, फल तो बाद में होता है, इसलिए याग से फल नहीं होता है। अपूर्वम तु तेन क्रियते, हाँ ये ठीक है कि याग से अपूर्व की उत्पत्ति होती है, भाग्य की उत्पत्ति होती है। तस्मात तस्य कर्तव्यता उच्यते, इसलिए यहां पर अपूर्व की कर्तव्यता कही जा रही है, फल की नहीं कही जा रही है। यस्य कर्तव्यता तद इति कर्तव्यता संपद्यते, और जिसकी कर्तव्यता है, जिसे करना है, करना किसे है? जिससे फल की उत्पत्ति होती है, यानी अपूर्व को करना है, तो जिसकी कर्तव्यता कही गई है उसी की इति कर्तव्यता भी कही जाती है। याग कर्तव्य के रूप में है ही नहीं, तो इति कर्तव्यता यानी धर्म आदि का कथन भी उसके लिए नहीं होगा। अपूर्व यहां पर कर्तव्य के रूप में है, तो सारे धर्म इति कर्तव्यता उसी के साथ में जुड़ेंगे। तस्मात अपूर्वार्था धर्मा, ये जो जितने धर्म है वो अपूर्व के लिए, तेषां च अपूर्वाणां भेदा उक्ता, और वो जो अपूर्व है वो भिन्न भिन्न है सब जगह। अतः तद भेदाद यथा प्रकरणम विवतिष्ठन्ते धर्मा इति, इसलिए अपूर्व के भेद होने से जिस जिसका जो प्रकरण है वहां पर ये धर्म व्यवस्थित होते हैं, उन्हीं जगह लगते हैं, सब जगह नहीं जाएंगे। सिद्धांति ने फिर अपनी बात को रख दिया। तो अब जब ये यहां पर सिद्धांति ने कहा था, तो उन्होंने क्या कहा था ऊपर दूसरी पंक्ति में, दशपूर्ण मासाख्ये न याग समुदाय न, यानी दशपूर्ण मास नामक याग से, तो दशपूर्ण मास और याग का समानाधिकरण प्रस्तुत किया गया, एक ही है वो, यह विशेषण भाव है उसका। तो उसके लिए पूर्व पक्षी पूछ रहा है अथ एतस्मिन् इस पक्ष में कथम दशपूर्ण मास शब्द ने यागो विशेष्यते, दशपूर्ण मास शब्द से याग विशेषित कैसे हो पा रहा है? यहां पर याग विशेष और दशपूर्ण मास विशेषण, ये कैसे आप कर पा रहे हो? सिद्धांत कह रहे हो उच्चतः नहीं मात्र यागो विशेष्यते, बोले यहां याग को विशेषित नहीं किया जा रहा है दशपूर्ण मास शब्द से, किम तरही अपूर्व भावना एव उभय पद विशेषता उच्यते। यहां पर जो अपूर्व की भावना है, अपूर्व को करना है, वही कर्तव्यता, वो उभय पद विशिष्ट कही जा रही है, अर्थात दशपूर्ण मास भी अपूर्व
को विशेषित कर रहा है और याग भी अपूर्व को विशेषित कर रहा है। सिद्धांत कह रहा है कि दशपूर्ण मास और याग इनके बीच में विशेषण विशेष भाव नहीं है, ये उससे जाकर के जोड़ रहे हैं सीधे। अपूर्व भाव नया अपूर्व भावना एवं उभय पद विशिष्टा उच्चते, कैसे यथा अरुणया पिंगाक्षा एक है अन्य सोमम कृणाति। तो यहां पर जैसे सभी जो विशेषण थे वो जाकर के एक साथ क्रिया से जुड़ते थे, ऐसे ये दोनों अलग अलग जाकर के उससे जुड़ते हैं। जिसमें पूर्व पक्षी कहता है विषमा उपन्यास गलत आपने बोल दिया, क्यों तत्र ही अन्य द्रव्यम अन्यो गुण, वहां तो यानी अरुणा न्याय में तो गुण अलग थे और द्रव्य अलग था इसलिए वो अलग उस तरह से गए थे। तेन ही उभय विशेषणत्वम युज्यते, इसलिए वहां पर दोनों का विशेषण वहां पर संगत हो जाता है। यह पुनर्याग एव तौ दर्शपूर्ण मासौ, तो यहां तो वो जो दर्शपूर्ण मास है वो खुद ही याग है, इसमें विशेषण विशेष गुण और गुणी का तो बात है ही नहीं। तेन इह उभय पद विशेषणत्वम न युज्यते, इसलिए दोनों पद का विशेषण उससे अपूर्व से जुड़ जाएगा, ये ठीक नहीं कहा आपने। इसमें सिद्धांत कह रहा है उच्यते इहापि यजेत इति सामान्यम दशपूर्ण मासौ इति विशेषः, बोले यजन ये सामान्य है दशपूर्ण मास यहां पर विशेष है, जैसे वहां पर गुण और गुणी गुणी था वो सामान्य था और गुण थे वो विशेष थे, तो ऐसे ही यहां पर भी दशपूर्ण मास विशेष है और याग जो है वो सामान्य है। अन्यच्च सामान्यम अन्यो विशेष, सामान्य अलग है और विशेष अलग है, वहां पर भी अलग अलग थे यहां भी अलग अलग है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है एवं अपि श्रुत्या सामान्यस्य भावना वाक्यात विशेषस्य, बोले ऐसे करने पर भी ये जो सामान्य की भावना है वो तो श्रुति से है, मतलब सामान्य की कर्तव्यता याग की कर्तव्यता तो श्रुति से है, यजेता साक्षात है, और वाक्यात विशेषस्य जो दशपूर्ण मास है विशेष उसकी कर्तव्यता उसकी भावना तो वाक्य से आएगी। न चैतत युगपत भवती थी, और ये दोनों एक साथ भी नहीं हो सकते, तो इसका कहना है कि याग की कर्तव्यता ही कही जा रही है श्रुति से और दशपूर्ण मास की कर्तव्यता को आप यहां नहीं ले सकते, वाक्य से दुर्बल है वो। न चैतत युगपत भवती थी, इस पर सिद्धांति करा एवं तरही नई वात्र श्रुत्यर्थ परिगृह्यते, तो बोले हम ऐसा करेंगे यहां श्रुति का अर्थ लेंगे ही नहीं, तो किम तरही बोले वाक्यार्थ वाक्यार्थ ले लेंगे। उसने कहा था कि दोनों हैं तो श्रुति बलवती है, बोले कि नहीं हम श्रुति का अर्थ ही नहीं लेंगे, ऐसे कैसे नहीं लोगे, किम कारणम, तो कहा श्रुत्यर्थे परिगृह्यमाणे दर्शपूर्ण मास शब्दों अनर्थको भवति, अगर हम यहां पर श्रुत्यर्थ लेंगे कि यागम कुर्यात इतना ही लेंगे तो दर्शपूर्ण मास जो पढ़ा गया है वो व्यर्थ हो जाएगा। यजतिश्च अनुवाद, और जो जो यजन है ये चूंकि यहां पर अनुवाद है इसलिए उसकी विधि नहीं है, उसके लिए विधि नहीं लगाएंगे। यजतिश्च अनुवाद यजति यजत्यात्मकत्वात् दर्शपूर्ण मासयो, क्योंकि दर्शपूर्ण मास के यज इस स्वरूप वाला होने से, यजति यहां पर अनुवाद है, दर्शपूर्ण मास भी याग ही है तो इसलिए जो याग शब्द आया वो तो अनुवाद के रूप में आया है, तो दर्शपूर्ण मास यजी इस रूप वाले ही हैं। यजति सामानाधिकरण्याच दर्शपूर्ण मास शब्दस्य, दर्शपूर्ण मास शब्द के यजति के सामानाधिकरण वाला होने से, क्योंकि जो याग है बस वहीं पर ही वो दर्शपूर्ण मास भी होंगे, दर्शपूर्ण मास याग ही है तो समानाधिकरण है उसका, इसलिए ये जो आप श्रुति के आधार पर विधि कर रहे थे याग की विधि वो हो नहीं सकती यहां पर, वो अनुवाद है। और अब देखो सामान्यतया क्या हम लेते हैं और कुछ ध्यान नहीं देंगे तो श्रुति बलवती होती है वाक्य से, तो बोले श्रुति का अर्थ लिया जाए, फिर तो हर जगह ही श्रुति का ही अर्थ लिया जाएगा, बोले यहां श्रुति के लेने से श्रुत्यर्थ लेने से वाक्य असंगत हो रहा है, निरर्थक हो रहा है, निरर्थक तो कभी भी नहीं होना चाहिए, सार्थक तो होना ही चाहिए, यदि श्रुति से सार्थक नहीं हो रहा है तो वाक्य से सार्थक किया जाएगा, ऐसे में अब श्रुति वाक्य को बाधित नहीं कर सकती। श्रुति वाक्य को कब बाधित करेगी, जब वो वाक्य को संगत लगा रही हो, पूरा व्यर्थ नहीं कर रही हो, जब उसी को व्यर्थ कर रही है तो अब वो वाक्य से बलवती नहीं हो सकती है। हाँ आचार्य जी, इसमें एक प्रश्न उठ रहा है कि जो यजेत है उसका संबंध अपूर्व से जोड़ेंगे, एक तो ये, दूसरा उसका अपूर्व से कहाँ जोड़ रहे हैं अभी, मतलब हाँ सिद्धांत पक्ष में तो नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दो पक्ष आए थे तो एक पक्ष में तो यजति का संबंध हम अपूर्व से जोड़ रहे हैं तो वो श्रुति से जुड़ रहा है,
ऐसा बोल रहा था सिद्धांती, और दस पूर्ण मास का जब अपूर्व से संबंध होगा तो वो वाक्य से जुड़ रहा है। तो जी अपूर्व से जब जुड़ेगा दोनों का तो उसका श्रुति से कैसे है? इसको सीधे अपूर्व से जोड़ करके नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आप बोल रहे हो। अब यहाँ केवल ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो जो धर्म है, धर्म का संबंध किससे जुड़ रहा है, याक से जुड़ रहा है या दशपूर्ण मास से जुड़ रहा है? तो जिसकी विधि कही गई है उसी से वो धर्म जुड़ जाएंगे इति कर्तव्यता के रूप में, ठीक है? यहां पूर्व नहीं ले रहे हैं, धर्म, धर्म उससे जुड़ जाएंगे। तो जब याग की विधि होगी तो याग की इति कर्तव्यता आकांक्षा होगी और धर्म जो है वो याग से जुड़ जाएंगे, ये पूर्व पक्ष है, तो उससे सब यागों में प्राप्त होने लगेंगे। सिद्धांत ही कह रहा है कि अगर आप यहां श्रुति अर्थ लेकर के याग का विधान मानते हो तो दशपूर्ण मास शब्द व्यर्थ हो रहा है, और अगर दशपूर्ण मास की विधि मानते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो वाक्य से विधि हो रही है, याग की विधि श्रुति से, दशपूर्ण मास की विधि वाक्य से, तो श्रुति बलवती हो रही है, ये पूर्व पक्षी का कहना है। सिद्धांत ही कह रहा है कि अगर श्रुति को बलवती मान के आप लाओगे तो वाक्य का दशपूर्ण मास में ये शब्द ही व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा। तो मैं जो बात कह रहा था वो ये कि श्रुति यद्यपि बलवती होती है तब जब वो अपना काम पूरा कर रही हो तो वाक्य से बलवती होती है, यदि वो अपना काम ही नहीं कर रही है, शब्द वहां व्यर्थ हो रहा है, तो श्रुति की अपेक्षा वाक्य से यदि संगति पूरी लग रही है तो वाक्य बलवान होगा। वहां ये नहीं कह सकते कि वाक्य श्रुति से दुर्बल है तो वाक्य नहीं लगेगा, नहीं, उससे पूरी संगति लग रही है वो ही लगेगा। जैसे सरकार में दो अधिकारी हों, एक बड़ा अधिकारी है एक छोटा अधिकारी है, यद्यपि बड़ा अधिकारी है उसी की चलेगी, छोटे की नहीं चलेगी, वो बलवान है, लेकिन यदि वो बड़ा अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है दोषी सिद्ध हो रहा है तो उसको कौन पकड़ेगा? छोटा अधिकारी पकड़ेगा। अब वो बड़ा वाला बड़ा नहीं रहा क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रहा है, दोष में आ गया है वो, तो अब जो नीचे वाला है वो उसको पकड़ लेगा, पकड़ने का आदेश दे देगा, मतलब बड़े अधिकारी ने दोष कर दिया, कोई हत्या कर दी, अपराध कर दिया, तो छोटा अधिकारी उसको पकड़ने को कह सकता है। बड़ा अधिकारी कहे कि नहीं आप मेरे को नहीं पकड़ सकते, मैं अधिकारी हूं, तो अब अधिकारी ही नहीं रहा। अधिकारी तो तब था जब वो उन नियमों का पालन कर रहा था, उस पद पे था तब वो अधिकारी था, वो कह सकता था, लेकिन वो खुद अधिकारी नहीं रहा, वो तो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो इसमें अब वो बलवान नहीं रहेगा। आगे देखिए चौथा सूत्र सिद्धांतिका, सत्वे लक्षण संयोगात सार्वत्रिकम प्रतीयेत। पीछे पूर्व पक्षी ने खंडन करते हुए कहा था कि सत्ववत हो जाएगा, सत्ववत मतलब गाय को नहीं, पैर से नहीं छूना चाहिए, ये जो जाति का था प्रयोग गऊ का, और फिर वो व्यक्ति में लग करके सब व्यक्तियों में पिंडों में लग रहा था, तो उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति। सत्वे लक्षण संयोगात, तो सत्व में यानी द्रव्य में जो व्यक्ति हैं उनमें तो लक्षण के संयोग से, लक्षणावृत्ति के कारण से ऐसा हो गया। सार्वत्रिकम प्रतीयत है, सार्वत्रिक अर्थ लिया जाता है, यहां नहीं लिया जाएगा, वो कैसे लगता है भाष्य में खोल रहे हैं, यत्तु सत्ववत इति, जो आपने कहा था कि सत्ववत, तो बोले अत्र गवाकृतौ धर्मः श्रूयते, वाक्य के द्वारा तो गवाकृति में ही धर्म सुना जा रहा है। क्यों आकृति में? क्यों? क्योंकि आकृति पदार्थत्वात्, क्योंकि आकृति ही पद का अर्थ होती है, आकृति जो है वो पद का अर्थ होती है, ठीक है, आकृति पदार्थत्वात्। न च तत्र संभवति, और वहां पर यह धर्म हो संभव ही नहीं है। आकृति में जब कहा कि गौर न पदास्प्रष्टव्या, तो आकृति में उसके छूने न छूने की कोई बात ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अतो असौ आकृति ही सहचारी पिंड लक्षणार्था विज्ञायते, इसलिए जो आकृति है वो साथ में रहने वाले पिंड के को लक्षित करने के लिए कही गई है। यथा गंगायम घोषयति, गंगा में झोंपड़ी है, तच्च सहचर्यम सर्वपिंडानाम अविशिष्टम इति सर्वपिंडेषु विहितम भवति, और ये जो साहचर्य है ये सभी पिंडों में लगेगा। क्यों? सभी पिंडों में अविशिष्ट है, सामान्य है, समान है, इसलिए सर्व पिंडों में विहित समझा जाएगा। तस्मात् तत्सार्वत्रिकम प्रतीयेत,
इससे ये सार्वत्रिक प्रतीत होगा, सब जगह जाएगा। यह तो यजे ऋण भावेन श्रवणात् नैव यजो धर्मा श्रूयन्ते। लेकिन यहाँ पर तो यजी के गुण भाव होने से, ये जो यजन है ये स्वयं अपने आप में गुण भाव है इसका, तो यागेन इष्टम भावयेत, यजेत का मतलब यागेन इष्टम भावयेत, तो याग को भी यहाँ पर करण के रूप में कहा जा रहा है। तो यह तो यजेर गुण भावे न श्रवणात् नहीं वह यजो धर्मा श्रूयंत, इसलिए जो धर्म है वो यजन से नहीं जुड़ेंगे। कौतर ही अपूर्वे इति, वो अपूर्व में जुड़ेंगे, एवं अपदिष्टो हेतु, इस प्रकार से ये हेतु कहा गया है। वैसे अपदेश शब्द जो है ना वो हेतु के लिए प्रयोग होता है, अनपदेश अहेतु के लिए प्रयोग होता है वैशेषिक में जैसा है, लेकिन यहां इन्होंने एवं अपदिष्टो हेतु का अर्थ किया है नीचे, इस प्रकार सत्ववत हेतु ठीक नहीं है, इस प्रकार सत्ववत, तो इसमें अगर सत्ववत को लेना भी है तो कोष्ठक बंद होगा सत्ववत से ही, हेतु पे नहीं होगा। और ये नहीं है, नहीं लिखना ये अलग बात हो गई, क्योंकि जो सत्ववत है ये हेतु के रूप में नहीं था। तस्मात अनुपन्यास सत्ववत इति, दूसरे सूत्र में कहा था ये जो सत्ववत है ये अनुपन्यास है, ये दृष्टांत कथन ठीक नहीं है। तो सत्ववत तो दृष्टांत था, हेतु नहीं था। तो या तो यूं माने कि एवं अपदिष्टो हेतु, इसलिए जो हमने जो हेतु दिया वो ठीक ही है, खंडित नहीं हो रहा है। और यदि अपदेश का मतलब यहां पर खंडित होना होता है तो पूर्व पक्षी का हेतु खंडित होगा ये माना जाएगा। इस पे पूर्व पक्षी कहता है अविभागात तो नैव स्यात्, बोले ऐसा नहीं होगा, जो धर्म है ये अपूर्व से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इनमें अविभाग होता है, कर्म और अपूर्व, यानी याग और उसके धर्मों का अविभाग होगा, अलग अलग नहीं है। अविभागात तो नहीं बम से आप भाष्य अथ तू शब्द है पक्ष व्यावृत्त, पक्ष की व्यावृत्ति करेगा तू तो, और नहीं तद एवं, ये ठीक नहीं है। क्या अपूर्व प्रयुक्ता धर्माय थी, ये धर्म अपूर्व से प्रयुक्त है, अपूर्व के कारण से ये कहे गए हैं। अरे यजी प्रयुक्ता एवं, ये पूर्व पक्षी का मत है, यजी से प्रयुक्त है ये, कुथा अविभागात, अविभाग को खोल रहे हैं, यजिना अविभागो धर्माणाम, धर्मों का याग से अविभाग है, उससे जुड़े हुए हैं, खोल रहे हैं उसी को आगे। प्रत्यक्षम के चित द्रव्य श्रूयंते, ये जो धर्म कहे गए हैं ये प्रत्यक्ष ही कहीं किसी द्रव्य के ऊपर कहे गए हैं, ये द्रव्य ऐसा होना चाहिए, द्रव्य पर ये करो, इसको छीलो, इसको कूटो, इसको पाक करो, तो कुछ धर्म सीधे ही प्रत्यक्ष रूप से द्रव्य के लिए कहे गए। केचित देवतायाम, कुछ धर्म देवता से संबंधित कहे गए हैं। केचित मंत्रेषु, केचित मंत्रेषु, कुछ मंत्रों के विषय में कहे गए, मंत्र ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो धर्म द्रव्य देवता और मंत्र तीनों से जुड़े हुए कहे जाते हैं, ये प्रत्यक्ष है, साक्षात कथन है। ऐसा चाहिए जी, और यजन यही तो है क्या, यत् द्रव्यम देवताम उद्देश्य मंत्रेण त्यज्यते, कि जो द्रव्य है वो देवता को उद्दिष्ट करके मंत्र के द्वारा त्याग किया जाता है। हम याग को वैसे क्या सोच कहते हैं अभी तक, द्रव्य देवता और त्याग, ये तीन चीजें हैं, इसके साथ इन्होंने यहां मंत्रेण भी जोड़ा है, मंत्रेण त्यज्यते, मंत्र के द्वारा किया, तो क्योंकि मंत्र के भी धर्म कहे गए हैं तो इनको मंत्र भी लेना है। देवता के लिए द्रव्य का त्याग वैसे ही जो कर देते हैं वो इसको याग नहीं कहेंगे, वो मंत्र पूर्वक ही होता है, इसलिए मंत्र भी हाथ में इन्होंने जोड़ लिया है। तो यद् द्रव्यम देवताम उद्देश्य मंत्रेण त्यज्यते स एष प्रत्यक्षो यजिना संबंधो धर्माणाम, तो इस प्रकार से यजी के साथ में धर्मों का प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि तो याग का मतलब ही है ये द्रव्य देवता मंत्र और त्याग, और धर्म इनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सीधे सीधे याग से जुड़े हुए हैं। अपूर्वेण तो अनुमानिक, आप जो अपूर्व के साथ में धर्मों को जोड़ रहे हो वो तो अनुमानिक है, प्रत्यक्ष होना कथन है। फलेपि यजे प्रत्यक्ष श्रुतो गुण भाव, और याग का फल के प्रति जो गुण भाव है वो भी प्रत्यक्ष है, अपूर्व के प्रति प्रत्यक्ष भाव नहीं है, फल के प्रति प्रत्यक्ष भाव है। कैसे, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग काम जो है ये तो अपूर्व थोड़ना है, ये तो फल है, उसके साथ सीधा संबंध है। अनुमानिको अपूर्वेण, तो अपूर्व के साथ में जो याग का संबंध है वो अनुमानिक है, और अनुमानाच प्रत्यक्षम बलिये तस्मात यज्यर्था धर्म, अनुमान से प्रत्यक्ष बलवान होता है, इसलिए जो सारे धर्म है वो याग के लिए। ठीक है।
बहुत देर से इसी बात को चला रहे हैं, वो कह रहा है कि याग के लिए है, वो कह रहा है अपूर्व के लिए, पूर्व पक्षी का पक्ष प्रबल लग रहा है। फिल्में होती है ना, उसमें हीरो और विलेन जो लड़ाई करते हैं ना, तो पहले किसकी पिटाई होती है? पहले हीरो की पिटाई करवाते हैं। वो थोड़ा बलवान लगता हुआ लगता है, लोगों को लगता है ये तो पिट जाएगा, और फिर बाद में वो हीरो उसको मारता है ज्यादा, और बाद में वो जीतता है। तो शुरुआत में ऐसा लगेगा जैसे कि पूर्व पक्षी जीत रहा है। कभी कभी तो हीरो होता है वो शुरू में ही उसको विलेन को शुरू में ही मार मूर करके भगा देता है, उसको नहीं लगता है। लेकिन थोड़ा कहीं ज्यादा होता है ना जब, तो शुरू में थोड़ा पूर्व वो बलवान होगा, फिर कभी ये कमजोर होगा, फिर कभी इसको भी बलवान बना देगा, थोड़ा उथल पुथल करवाते हैं अदल बदल करके। ठीक है, आवश्यक है ना ये, तभी तो स्वाभाविक लगेगा। एक ही तरफा कर दिया वो तो फिर तो क्या बात है, तो दोनों दोनों होता है। लेकिन अंत में जाकर के विजय किसकी करवा देते हैं? तो अभी तो पूर्व पक्षी प्रबल लग रहा है, सिद्धांत के कराएंगे हैं। हाँ, वो भी तो अच्छे ढंग से मारता है उसको, तभी तो युक्ति संगत अपनी बात को रख रहा है। देखो आगे क्या होता है, क्या निर्णय निकलता है, क्योंकि इसी में तो मजा आता है, वो सस्पेंस बना रहता है कि कौन जीते। आनंद किसका आता है? तो सस्पेंस रहस्य बना रहता है, कुतूहल बना रहता है, कौन होगा कौन होगा, अरे इधर जा रहा है इधर जा रहा है। और प्राय करके इनमें जिस तरफ झुका होता है ना, निर्णय कहीं और चला जाता है। जो कोई ये ऐसी भी होती है ना, डरावनी फिल्में होती हैं और भूत प्रेत की होती हैं या अपराधियों की होती हैं, तो उसमें जब अपराधी को ढूंढते हैं ना कि ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है, वो ऐसे प्रस्तुति देते हैं कि देखने वाला लगेगा नहीं ये हो सकता है। सीआईडी वगैरह की जो होती है ऐसी फिल्में, तो उसमें लगता है ये होगा, वो दिखाते ही इसी तरह से है संभावना के रूप में। पर अगर वही हो जाता तो फिर हमारे में और उस जासूस में अंतर क्या होता? वो जासूस के द्वारा अंत में ऐसा व्यक्ति खोज के लाते जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अच्छा ये देखो ये इसकी विशेषता है, बाद में जाकर के किसी और तरफ चला जाता है, अन्य जगह तो लगता है हाँ ये बात है, तो रुचि बनी रहती है और अंत में लगता है कि अच्छा। तो देखिए, तो इसमें सिद्धांत कहता है, ननु यजिर भंगित्वात् कालांतरे फलम दातुम असमर्थः। बोले ये जो यजि है ये तो भंगी है, भंग करने वाली है, नष्ट होने वाली है। कालांतरे फलम दातुम असमर्थः, वो कालांतर में फल नहीं दे सकती, क्षणिक है, भंगी मतलब क्षणिक है। व्रत मुनि जी बताते हैं ना अपनी घटना से, सुनी सुनी सुनी। तो वो अध्यापक थे, तो वहां पर वो कुछ प्रभावशाली वर्ग होते हैं, उनके बच्चे भी प्रभावशाली होते, गांव के जो संपन्न हैं, क्षत्रिय वर्ग है, राजपूत हैं, या जो भी हो वहां पर सरपंच वगैरह के बेटे होते हैं, वो प्रभावशाली होते हैं, और जो निर्धन हो के और वो बच्चे होते हैं विद्यालय में, वो दुर्बल रहते हैं, वो भी डरते हैं, वो समाज का प्रभाव वहां विद्यालय में भी दिखता है। तो वो उसका एक लड़का था, वो शरीर से भी अच्छा, और वो किसी को भी मार दे, किसी को भी कुछ कर दे, परेशान करे जैसे होते हैं। तो व्रत मुनि जी ने उनको पकड़ा, क्यों परेशान करते हैं? वो बच्चे जो हैं वो शिकायत लेके गए उनके पास में, तो वो बच्चा भंगी यानी हरिजन का था, वो बच्चा शिकायत लेकर के गया। अब इन्होंने उसके खिलाफ कार्यवाही कर दी लड़के के खिलाफ, तो हो हल्ला हो गया, वो तो सब कर लेते हैं बुला लेते हैं। और वो जब उसको बुलाया अध्यापक के औरों के सामने, उसको बुलाया, तुमने किया ऐसा, करा? पहले भी उससे बात हुई, उसने कहा कि जी मैं नहीं करूंगा ऐसा, फिर भी उसने ऐसा कर दिया। तो इन्होंने उसको कहा कि तू भंगी है। भंगी नहीं था वो, जिस पीटने वाला था ना, उसने अपना कुछ वचन वचन दिया था, मेरे को पूरी घटना याद नहीं आ रही है। तो उसको कहा कि तू भंगी है। ओ ये हो गया कि भाई उसको भंगी कह दिया, और सवर्ण का कोई बेटा सवर्ण को भंगी कह दिया, वो गांव में तो बड़ी बात बन जाती है। तो वो लेकर के आ गए,
पिता तो और काफी लोग आ गए। तो व्रतमुनि जी ने कहा कि तूने अपने वचन का भंग किया है इसलिए तू भंगी। फिर लेकिन वो जो सरपंच वगैरह जो भी थे वो बड़े वो समझदार थे, तो उन्होंने फिर अपने बेटे से क्षमा पत्र लिखवाया। ये तो अड़ भी जाते हैं, अड़े भी हल्ला हो गया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़का पढ़ने जा रहा है तो उससे क्षमा पत्र लिखवाया कि मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से नहीं करूंगा। और फिर उसने बच्चा तो नहीं चाह रहा था, पर वो पिता ने जबरदस्ती उससे लिखवा करके क्षमा करके और फिर दिलवाया। तो वो व्रतमुनि जी पढ़ रहा था, भाई भंगी किसे कहते हैं, चलता रहता है ना अस्पृश्यता का आर्य समाज में, उसमें सब सुनते रहते हैं। तो बोले भंगी वो जो अपने वचन का भंग करे, उसे भंगी कहते हैं। देखो हाँ, जो व्यवस्था को भंग करे वो भंगी, और जो व्यवस्था का पालन कर रहा है, साफ सफाई अपनी व्यवस्थित कर रहा है, वो भंगी कैसे। और जो बड़े पद पे बैठे हुए हैं और वहां पर अपने नियमों का भंग करते रहते हैं, कर्तव्यों का पालन नहीं करते, भंगी तो वो हो गए। तो जो भंग कर देता है नियमों को, वचन को, व्रतों को भंग कर देता है। तो कहते हैं ननु यजिर भंगित्वात् कालांतरे फलम दातुम असमर्थ है। तो ये याग है वो भंगी है। अब ये लोग गए थे ना वहां पर भरतपुर में, याग करवाया था, तो इन प्रमाणों को कोई प्रयोग कर सकता है ऐसे? क्योंकि आप लोगों को भंगी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में याग को भी भंगी कहा गया है, तो आप लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा इसको? आपको तो करना ही चाहिए। और दूसरे कहें कि नहीं, इनको अधिकार नहीं है। बोले नहीं, याग का तो नाम ही भंगी है, याग को भंगी कहा है। देखो मीमांसा दर्शन शावर भाष्य में लिखा है, ननु यजिर भंगित्वात् कालांतरे फलम दातुम असमर्थ। कालांतर में फल नहीं दे सकता है, अपूर्व नहीं। शास्त्र का उपयोग करना चाहिए ना, शास्त्र के वचनों का अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए या नहीं? नहीं। अन्य कार्य मतलब अस्पृश्यता हटे, याग आदि करने का अधिकार सबका हो, समाज में जो स्थितियां हैं तो उसके लिए शास्त्र का उपयोग किया जा सकता है ना? नहीं। अच्छे काम के लिए, मुक्ति में सहायता के लिए। तो तत्र कृता धर्मा अनर्थका एव भवंती इत्युक्तम। तो इसलिए अगर आप इन धर्मों को उसके साथ में जोड़ देंगे, याग के साथ में जोड़ देंगे, तो वो अनर्थक हो जाएंगे। आगे अत्र स्थितस्य न्यायस्य आक्षेपेण प्रत्यवस्थानम क्रियते। तो यहां पर स्थितस्य न्यायस्य, जो न्याय स्थित है पहले से सिद्ध किया जा चुका है, कौन सा? कि यजिर भंगित्वात्, यजि है जो है भंगी है, ये पीछे हमारे पृष्ठ संख्या 366 पे आया हुआ है, बहुत पहले शुरू में आया हुआ था कि याग जो है वो क्षणिक है, इसलिए अपूर्व की कल्पना जो की जाती है, अपूर्व क्यों मानना पड़ा उसके लिए। तो स्थितस्य न्यायस्य, अन्याय यद्यपि स्थित है, ये स्थिर हो चुका है, लेकिन फिर भी आक्षेप से प्रत्यवस्थानम क्रियते, आक्षेप देकर के उसका खंडन किया जा रहा है। यहां पर किसके द्वारा किया जा रहा है? पूर्व पक्षी ना, पूर्व पक्षी के द्वारा। अभी आगे पूर्व पक्षी बोल रहा है, तैलपानवत एतत् भविष्यति। बोले तेल पान के समान हो जाएगा, तेल का पान वो भी क्षणिक है और उससे होने वाले लाभ कालांतर में होते हैं तेल पान के बाद में, लेकिन फिर भी वो तेल पान के कहे जाते हैं। तैलपानवत एतत् भविष्यति, यथा तैलपानम घृतपानम वा भंगित्वेपि सति कालांतरे मेधा स्मृति बल पुष्टि आदि फलानी करोती। तैलपान या घृतपान ये भंगी है, क्षण में नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी कालांतर में मेधा स्मृति बल पुष्टि आदि फलों को करता है, तो उसके ही माने जाते हैं। तो ऐसे याग भी भले ही भंगी हो, लेकिन जो फल है वो इसी का मान लिया जाएगा। एवं यजिरपि करिष्यति, यजि भी ऐसे ही कर लेगा। किम नो अदृष्ट अश्रुतेन अपूर्वेण कल्पना कल्पितेन इति। अदृष्ट अश्रुत, जो कि देखा नहीं गया, ऐसा अदृष्ट जो कि अश्रुतेन अपूर्वेण, अश्रुत जो अदृष्ट अश्रुत जो अपूर्व है, उसकी कल्पना से क्या फायदा, उसकी क्यों कल्पना करें जब सीधे सीधे हमारे को दिख रहा है। तो तैल पान घृत पान, एक समय था जो तेल का पान और घृत का पान किया जाता था, आज तो नहीं करते हैं। घृत का पान करते हैं क्या? नहीं करते।
करते हैं, या तो आयुर्वेद की चिकित्सा में करते हैं और या फिर कोई बहुत पहलवान हो और ये करते हो तो वो घृतपान करते हैं। ऐसे तेलपान भी है, आयुर्वेद में आता है दक्षिण भारत में तेल का प्रयोग होने से वो बलशाली हुए, तेल का प्रयोग वहाँ पर अधिक होता है दक्षिण में, आज भी है। घृत का प्रयोग उत्तर भारत में अधिक है, तेल का प्रयोग उतना नहीं है, दक्षिण में तो तेल ही तेल चलता है सारा, और तेल का पान भी, तो उससे वो लोग अजर अमर हो गए, बहुत मजबूत और अच्छे हुए, ये सब आयुर्वेद में भी आता है, तेल से भी होता है, घृत से भी होता है। तो पान करते हैं, कोई कोई करते हैं, आप लोगों ने किया है कभी पान? है हाँ, जैसे दूध या घी पीते हैं, जैसे दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, ऐसे घी और तेल पिया है कभी? नहीं कभी, वो ही आ जाएगी, बोले ये कोई पीने की चीज है क्या? हाँ, दूध में घी डाल करके पीते हैं, ठीक है, केवल घी, केवल घी। हाँ, मेरे को एक बहुत पहले की बात है, एक परिचित थे, बोले कि मैं जयपुर की बात है, बोले कि यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय का वो अध्यक्ष, उनके पास गया, कमरे में बैठे थे, लड़के लोग बैठे होंगे, होते हैं अब जो राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है वो कैसा होगा राजनीति में, और उस तरह के लोग होते हैं ना, संपन्न लोग होते हैं और शरीर से भी बलि होते हैं, राजस्थान में क्षत्रिय वर्ग के होते हैं, ऐसे वो कोई थे। तो गए तो वो गिलास में भरा हुआ था, बोले घी पी रहा था वो, जैसे रस पीते हैं ना, ऐसे बोले वो बैठा बैठा घी पी रहा था। घी के पीने से बल आएगा, करेगा, ऐसा रहता ही है मन में, वो घी पी रहे, संपन्न भी हैं और पी भी रहे, व्यायाम करते होंगे, तो घी पी रहे थे। ऐसे तेल भी पिया जाता है, तेल खाया भी जाता है, कच्चा तेल भी, हम इधर कच्चा तेल खाने की सोचते भी नहीं है, कच्चा घी तो खा लेते हैं, बिना गर्म अधिक किया हुआ बस पिघल जाता है वो, लेकिन तेल हम नहीं खाते यहाँ पर, हमारे को ही गाती है, लेकिन दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में तेल भी सीधा लिया जाता है। यहाँ भी जैसे कच्चा तेल, देखो उनको सुनने से ही परेशानी हो रही है चेहरे पे कच्चा तेल जैसे कि खुद पी रहे हैं और कैसा लगेगा भाव, अभी सुनने से ही परेशानी आ रही है चेहरे पे जैसे यहाँ पर ढोकला बनता है ना, राजस्थान में मक्की का ढोकला बनता है और उसके अंदर तिल्ली का तेल कच्चा डाला जाता है, तो जो यहाँ वाले हैं वो तो खा लेते हैं, उनको पता है कि कच्चा तेल है और अच्छा लगता है, जो पहली बार सुनेगा ना इधर के और कहीं के, अरे तेल कच्चा डाले इसमें, और तेल को खाएंगे तो उनको यूं लगेगा जैसे ये तो क्या है, वो नहीं, वो वैसे ही मना कर देगा, नहीं तेल तो वैसे खाया ही नहीं जाएगा कच्चा, खा लेते हैं तो अभ्यास हो जाता है। ऐसे ही दक्षिण में भी तेल ऐसे डाला जाता है, उत्तर भारत, इस बार पूर्वी भारत में भी, एक बार मैं पश्चिम बंगाल की तरफ गया था, रेल में यात्रा कर रहा था, पहले आपको बताया भी होगा, बहुत पहले मैंने कभी, तो वहाँ रेल के अंदर अलग अलग चीज़ें लेकर के, जैसे बेचने के लिए आते हैं ना अलग अलग चीज़ें, तो मेरे को भी कुछ लेना था, और मेरे को रहता है कहीं कोई नई चीज़ होती है तो मैं उसको चखता हूँ, खाता हूँ कुछ नया, तो वहाँ वो ऐसे डब्बे से लेकर के आ रहे थे, उनके अंदर फिर एक बड़ा पेटी जैसा, उसमें फिर कई डब्बे रखे हुए थे, थोड़ी ये निकाल के दे रहा है, थोड़ी ये निकाल के दे रहा है, नमकीन था कुछ वो मिला मिला करके कई चीज़ें, जैसे कि इधर क्या बोलते हैं, भेलपूरी मुरमुरे होते हैं ना, वो चावल की खीलें, वो कुछ सेव और ये चना जोर गरम वाला चना कुटा हुआ जो होता है वो, इस तरह से वो कई चीजें डाल रहे थे, और उसके बाद में वो एक शीशी ले रखी थी, उसे यूं टपका रहे थे, तेल डालते हैं उसके ऊपर, कच्चा तेल, सरसों का कच्चा तेल। तो इधर आप उत्तर भारत में यूं किसी चीज पर सरसों का कच्चा तेल डाल करके करो तो ऐसे खाते हैं क्या इधर है, बनारस की तरफ नहीं, उधर खाते, मैं इधर की बात कर रहा हूं, पश्चिम या उत्तर की तरफ यूं सरसों का तेल यूं कच्चा डाल करके खाते हैं क्या? कभी नहीं होगा ना, हमारे को कैसा लगेगा, लेकिन वो उन्होंने बनाया, वो डाल रहे थे, मैंने कहा ये क्या डाल रहे हो, और गंध भी आ रही थी सरसों के तेल की, बड़ी अच्छी गंध आ रही थी, यूं तो सरसों के तेल का अचार अच्छा लगता है, उसकी अपनी गंध होती है और सब्जी आदि में भी होता है, लेकिन पक करके करते हैं हम लोग, वो कच्चा का कच्चा डाल रहे थे, तो मैंने फिर मैंने कहा कि मेरे को भी, तो मैंने खाया उसको तो बुरा नहीं लगा, मन में ऐसा था कि पता नहीं कैसा लगेगा, सभी खा रहे थे बड़ी अच्छी तरह से खा रहे थे, तो कच्चा भी लिया जाता है, कच्चा पान भी किया जा सकता है, वो इन्होंने यहाँ पर उस समय होता होगा, इन्होंने तेल पान की मुख्यता दी है पहले,
उनके यहाँ ज्यादा होता होगा जहाँ रहते थे। तो वैसे तो आयुर्वेदिक घृतम करके घृत को आयु के रूप में कहते हैं, पर साथ में एक ये और प्रचलित है कि घृतेन वर्धते बुद्धि, घृत से बुद्धि बढ़ती है, और आयु क्षीरेण वर्धते, दूध से आयु बढ़ती है, घी से बुद्धि बढ़ती है और दूध से आयु बढ़ती है, तेल से बल सामर्थ्य। हाँ देखो यहां ना मेधा स्मृति बल पुष्टि आदि, तो एवं यजिरपि करिष्यति इति नो अदृष्ट अष्टुतेन अपूर्वेण कल्पितेन इति। हाँ पूर्व पक्षी कह रहा है ना, पूर्व पक्षी ने कहा। अगला सूत्र भी पूर्व पक्षी का है, छठा सूत्र, त्यर्थत्वम च प्रतिषिद्धम। और बोले यहां पर अगर आप पूर्व सिद्धांति को कह रहे आप अगर ऐसा अर्थ करोगे तो दो अर्थ हो जाएंगे, ये परस्पर विप्रतिषिद्ध होगा, विपरीत होगा। ये जो नीचे लिखा है ना हिंदी में तीसरा अनुच्छेद, यहां स्थित निर्धारित न्याय की अपेक्षा द्वारा पुनः उपस्थिति की जाती है। संस्कृत वाला भाग देखिए, अत्र स्थितस्य न्यायस्य आक्षेपेण प्रत्यवस्थानम क्रियते, खंडन किया जा रहा है। इन्होंने नीचे क्या लिखा, पुनः उपस्थिति की जा रही है। तो ये जो है ना पुनः उपस्थिति मतलब विपरीत स्थिति, यानी प्रत्यवस्थान खंडनीय अर्थ यहां पर लेना है। पुनः उपस्थिति का मतलब है कि वही वही आ रहा है, एक को हटा करके दूसरे को लेकर के आया जा रहा है, इसलिए यह खंडन अर्थ में ही पुनः उपस्थिति शब्द है। तो छठा सूत्र, द्व्यर्थत्वम च प्रतिषिद्धम। भाष्य, एवं च सति सर्वे धर्मा सर्वार्था भवन्ति, इस प्रकार सभी धर्म सबके लिए हो जाएंगे। तथा च ऐन्द्राग्नादिषु प्रयाजादय सन्ति, तो इस प्रकार से ऐन्द्राग्नादि में भी प्रयाजादि होंगे। तथा शौर्य कर्मणि प्रयाजानाम दर्शनम उपपद्यते, और बोले ऐसा होने पर ही शौर्य आदि जो कर्म है उनमें प्रयाजों का देखा जाना संगत होता है, कि प्रयाज वहां पहले से प्राप्त थे, सब जगह सब धर्म प्राप्त थे, तो प्रयाज शौर्य एष्टि में भी प्राप्त थे, और तभी ये वाक्य संगत होता है। प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम जो होती, प्रयाज प्रयाज में, प्रति प्रयाज में कृष्णल का होम करता है, सोने का जो वो होता है, तो कृष्णलम जो होती, बोले ये तभी संगत होगा। अब यहां पर विधि किसकी कही गई, कृष्णल की गई है, स्वर्ण की गई है, और प्रयाज का तो अनुवाद है, तो अनुवाद है तो प्रयाज की शौर्य एष्टि में पहले प्राप्ति कैसे थी, तभी होगी जब सब धर्म सब जगह जाएंगे, ऐसा इससे पूर्व पक्षी निकाल रहा है। तो प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम जो होती इति, इतर्था प्रयाजाश्च विधातव्या प्रयाजेषु च कृष्णल होमा। और अगर आप इसको यहां पर सब सब धर्म सब जगह आते हैं ये नहीं मानोगे, तो ये जो प्रयाज का कथन है, इस वाक्य से प्रयाजों का भी विधान करना पड़ेगा, और प्रयाजों में फिर कृष्णल होम का विधान करना पड़ेगा, यानी दो विधान करने पड़ेंगे। तथा च द्व्यर्थम तत्स्यात्, दो अर्थ को दो विधि को कहने वाला होगा, द्व्यर्थत्वम च विप्रतिषिद्धम, और ये विपरीत कहलाता है। तस्मात यजि प्रयुक्ता धर्मायति, इसलिए याग से प्रयुक्त धर्म होंगे, इस संकेत से निकाला इन्होंने कि सभी धर्म वहां पहले से थे, तब ये वाक्य संगत होगा, केवल कृष्णल की विधि होगी एक की। आगे सातवां सूत्र, सिद्धांति बोलता है, उत्पत्तौ विध्य भावात वा चोदनायाम प्रवृत्ति स्यात् ततश्च कर्म भेदः स्यात्। उत्पत्तौ का मतलब है याग में, यजन के अर्थ में यहां पर लिया गया है। उत्पत्तौ विधि अभावात, भाष्यकार स्वयं कहेंगे उत्पत्तौ उत्पत्ति में विधि का अभाव होने से, और चोदनायाम इसका मतलब है यहां पर अपूर्व, अपूर्व में प्रवृत्ति होवे, ततश्च कर्म भेद स्यात्, इसलिए यहां पर कर्म का भेद माना जाएगा, यानी ये कर्म अलग अलग अपूर्व के कारण से अलग अलग कर्म कहलाएंगे, ये एक ही नहीं कहलाएंगे याग। भाष्य, नहीं तदेवम यजि प्रयुक्ता धर्म आई थी, बोले आपका कथन ठीक नहीं है, ये धर्म याग से प्रयुक्त नहीं है। चोदनायाम प्रवृत्ति स्यात्, चोदना का मतलब क्या है, तो चोदना इति अपूर्वम ब्रूमः, या अपूर्व को कह रहे हैं, तो चोदनार्थत्वात् अपूर्वार्थत्वात् अपूर्व प्रयुक्ता धर्मः, तो
चोदनार्थत्व को ही खोल दिया, अपूर्वार्थत्वात् यानी अपूर्व प्रयुक्ता धर्म, ये धर्म अपूर्व से प्रयुक्त हैं। फलवत्वाद इति उक्तो हेतु, क्यों अपूर्व से प्रयुक्त हैं? क्योंकि इसी यही फल वाला होता है, ये हेतु पहले दे चुके हैं। ये इसमें पूर्व पक्षी कहता है यत्तु प्रत्यक्षो यजि संबंधो धर्माणाम इति, बोले जो हमने कहा था कि धर्मों का याग से संबंध तो प्रत्यक्ष है। कैसे प्रत्यक्ष है? द्रव्य, देवता, मंत्र और त्याग, इन्हीं से संबंधित धर्म है सारे के सारे। तो याग से तो प्रत्यक्ष संबंध है, आप ये तो परोक्ष संबंध है, ये जो हमने कहा था। तो अत्र भूमा इसका उत्तर दे रहे हैं, उत्पत्तो विद्याभावात्, ये उत्पत्तो विद्याभावात ये सूत्र का अंश है, इसकी उसको आगे खोल रहे हैं। उत्पत्ति रीति यजि ब्रूमा, उत्पत्ति का मतलब यहां पर याग का है। उत्पत्तौ यजौ नास्ति विधि ही, बोले उत्पत्ति में यानी यजि में याग में यहां विधि नहीं है। उत्पत्तौ विद्याभाव सूत्र को खोल रहे हैं, वो क्या विधि नहीं है? तो उसी को आगे कहा यज्ञर्था धर्मा इति, ये जो धर्म है वो यज्ञ के लिए है, याग के लिए है, ये ठीक नहीं है। यज्ञर्था धर्मा इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए और नास्ति विधि के बाद में जो पूर्ण विराम है इसको काट दीजिए, तो वाक्य ऐसे बनेगा उत्पत्तौ अर्थात यजौ नास्ति विधि, इसमें विधि नहीं है। कौन सी? यज्ञर्था धर्मा इति, यज्ञर्था धर्मा ये विधि यहां पर नहीं है। केवलम यजौ श्रूयन्ते क्रियन्ते च, ये धर्म याग में सुने जा रहे हैं और याग में किए जा रहे हैं, लेकिन इन धर्मों की याग में विधि नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। सुने तो जा रहे हैं और किए भी जा रहे हैं याग में ही, क्योंकि पूर्व पक्षी कह रहा था कि द्रव्य, देवता, मंत्र और त्याग धर्म तो इसी में जुड़े हुए हैं। तो सिद्धांत ही कह रहा है कि सुने तो जा रहे हैं और किए भी इन्हीं में ही जा रहे हैं, लेकिन ये इनके लिए नहीं, ये प्रयोजक नहीं है। नहीं तावता तदर्था भवंती, इतने मात्र से कि उनके लिए सुने गए हैं और वहां किए जा रहे हैं, इतने मात्र से वो उनके लिए नहीं हो जाते। पूर्व पक्षी देख रहा है कि ये चूंकि इनमें किए जा रहे हैं, इनके लिए कथन किए जा रहे हैं, तो ये इनके लिए हैं। बोले इतने मात्र से इनके लिए ये सिद्ध नहीं हो जाता है। कैसे? उसको लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा वाससी रागः श्रूयते, कपड़े में रंगना सुना जाता है कि कपड़े को रंग रहे हैं। तो वासो रंजयति इति, इसका मतलब है वास है मतलब द्वितीय एक वचन है, कपड़े को रंगता है। वाससी च क्रियते, और कपड़े पे ही रंगा जा रहा है, कपड़े में ही तो रंगना सुना जा रहा है। वाससी रागः श्रूयते, वा कपड़े में राग सुना जा रहा है। श्रूयते कौन है? रेखा करके जो लिखा है वासो रंजयति इति, इस वाक्य से ये सुना जा रहा है कि कपड़े को रंग रहा है, सुना भी जा रहा है, और वाससी च क्रियते, और कपड़े पे ही रंगा जा रहा है, करक किया भी वहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी न चासौ तदर्था, लेकिन फिर भी वो जो रंग है वो कपड़े के लिए नहीं है, रंग कपड़े के लिए नहीं है। क्यों? बोले स्त्यर्थ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हुआ भवती, वो स्त्री के लिए होगा या पुरुष के लिए होगा, क्योंकि स्त्री या पुरुष ही तो उस रंग के रुचि से कि भाई मेरे को इस रंग का कपड़ा चाहिए, तो रंग किसके लिए? उसके लिए, अन्यों के लिए है, कपड़े के लिए नहीं है वो रंग। कपड़े पे किया जाता हुआ भी, कपड़े के विषय में कहा जाता हुआ भी, वो कपड़े के लिए नहीं है। ऐसे ही ये जो धर्म है याग में किए जा रहे हैं, याग के लिए कहे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी याग के लिए नहीं है। तात्विक दृष्टि है ना, लक्ष्य वही है, मुक्ति ही लक्ष्य रहेगा, कुछ भी हो मुक्ति पे ही पहुंचेंगे। तो न चासो तदर्थ स्त्रीर्थ पुरुषार्थ हुआ, देखो स्त्री अर्थ को पहले लिखा है इन्होंने, वो अधिक रंगे हुए कपड़े पहनती हैं, पुरुषार्थ हुआ पुरुष कम पहनते हैं। एवं एहापि यजो श्रूयमाणः क्रियमाणश्च अपूर्वार्थः भवेयुः अर्थवत्वाय, इसी प्रकार से यहां भी यजि में सुने जाते हुए ये धर्म और क्रियमाण होते हुए भी अपूर्व के लिए होवें अर्थवत्वाय, क्योंकि वही सार्थक होता है प्रयोजन के लिए। ततश्च कर्म भेद स्यात्, और यदि ये अपूर्व के लिए हैं तो सब कर्म अलग अलग होंगे, कर्म का भेद होगा। ये तो अपूर्वार्था इति, क्योंकि ये अपूर्व के लिए हैं, कर्म भेद होगा, अलग अलग होगा। आगे यश्च यजे प्रत्यक्ष फले गुण भाव इति, और जो आपने ये कहा था कि याग में फल का गुण भाव प्रत्यक्ष रूप से है, नहीं यजे प्रत्यक्ष फले गुण, यजि का याग का फल में गुण भाव है, यानी याग तो गुण है और फल प्रधान है। पूर्व पक्षी ने कहा था ना स्वर्ग कामो यजेत, दश गुण मास अभ्यम स्वर्ग कामो यजेत, यानी वो अपूर्व को छोड़ करके याग को सीधे फल से जोड़ रहा था।
सिद्धांति अपूर्व के साथ में धर्मों को क्यों जोड़ रहा था? क्योंकि अपूर्व फल वाला है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि याग भी तो फल वाला है, तो धर्म याग से जुड़ जाएंगे। हेतु तो यही था ना कि जो फल वाला है वो प्रधान होता है, तो बोले याग फल वाला है ना, इसी के साथ धर्म जुड़ जाएंगे। उसका कथन है कि यश्च यजेह प्रत्यक्ष फले गुण भावायति। और जो ये कहा कि याग के संबंध में, याग के फल के विषय में प्रत्यक्ष गुण भाव होने से, ये जो कहा स न अकृत्वा अपूर्वम भवति इति प्राणालिको विज्ञायते। बोले ये जो कथन है न अकृत्वा अपूर्वम भवति, अपूर्व को किए बिना नहीं होते। याग के द्वारा जो फल होते हैं वो अपूर्व को करके ही होते हैं। सच न अकृत्वा अपूर्वम भवति इति प्राणालिको विज्ञायते। ये प्राणालिक कथन है, परंपरा से है। याग से जो फल कहा गया ये परंपरा से है, साक्षात नहीं है। प्रणाड्यापि च येन क्रियते तत्कारणं भवति, तो परंपरा से जिसके द्वारा किया जाता है वो भी कारण होता है, कहा जाता है। यथा गोमयी पचति तुष्पक्वा भवन्ति इति, गोमयों से पका रहा है, गोबर से पका रहा है, छाने जो कंडे होते हैं ना उससे, और तुष्पक्वा भवन्ति, तुष से पकाता है। तो गोबर से पकाते हैं क्या? पकाती तो अग्नि है, गोबर थोड़ा ना पकाता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि गोमय से पकाता है। वो परंपरा से है, गोमय से अग्नि हो रही है और अग्नि से पाक हो रहा है ऐसे। यत्तु तैलपानवत यजितः फलम, सिद्धांत ही बोल रहा है ये। और जो आपने कहा कि तैलपान के समान यजी से भी फल हो जाएगा परंपरा से, क्या सीधे हो जाएगा कालांतर में? अत्र ब्रूमा उसका उत्तर दे रहे हैं, तैलपानस्यापि न कालांतरे फलम भवति। बोले तेलपान का कालांतर में फल नहीं होता है, याग का तो कालांतर में होता है, तेलपान का तो उसी समय फल होता है। क्या? धातु संयम तस्य फलम, धातु की समानता उसका फल होता है। धातु मतलब यहां पर वातपित्त कफ है, वातपित्त कफ के धातु साम्यम क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम। इस तंत्र का, शास्त्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य क्रिया। तो तेल जो है वो वात का शमन करता है, तो शमन करता है तो धातु का साम्य कैसे होगा वहां पर? तो वात को कम कर देगा। तो बोले जब वात बढ़ा हुआ हो, तेल का पान तो तभी करेंगे जब वात बढ़ा हुआ हो। उस स्थिति में जब तेल पान करेंगे तो धातु का साम्य ही तो होगा, बराबर ही तो आएगा, स्वस्थ अवस्था में, सामान्य अवस्था में नहीं। जब वात बढ़ा हुआ हो, रोग हो, मौसम ऐसा हो, तब। इसलिए अपने यहां पर भी हम लोग वर्षा ऋतु में, जो कि वात का प्रकोप काल है, उस समय तेल बढ़वा देते हैं। और समाज में भी पकौड़ियां, तेल की पराठे, ये सब खाने का प्रचलन है ना, तो इसलिए तेल की चीजें खाते हैं। और वो भी गरम गरम खाते हैं, क्योंकि वायु जो है वो शीत है या अनुष्ण शीत है, तो गरम गरम खाने से उसका शमन होता है। और उसमें मिर्ची भी डालते हैं, ठीक है? तो वात के शमन के लिए आगे देखो धातु समयम तस्य फलम तच्च तत्कालम एव, वो तो उसी समय होता है। और यच्च फलम बल पुष्टि आदि फल है, तत्सम्यक आहार परिणामात भवति, आहार के सम्यक परिणाम से होता है, पचने से होता है। तस्मात विषमा उपन्यास है, इसलिए आपने तेल पान को याग से जोड़ करके सिद्ध किया है, भाई याग से भी सीधा हो जाएगा बिना पूर्व के, वो यहां नहीं होगा। विषमा उपन्यास है, देखो आयुर्वेद को कम मत समझो। आधुनिक दवाइयां तत्काल लाभ देती हैं, आयुर्वेद भी तत्काल लाभ देता था, इससे पुष्ट होता है ना, तत्काल लाभ होगा। तो आज का नया पाठ तो इतना ही रखते हैं, पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पूछिए पूछिए।
पृष्ठ संख्या द्वादश उत्तर द्विसहस्र 2012 छठे अध्याय में से पूछ रहे हैं 2012 हाँ प्रथमा पंक्ति सकलम कर्म अहनि एव शक्यते कर्तुम इति न रात्रौ करिष्यते तो अतिरात्र याग यथा भवति तत्र रात्रौ अपि वहाँ विशेष कथन से होगा सकलम कर्म लेकिन यहाँ तो दिन में ही होगा सकल मतलब सब कर्म वो अपवाद तो अलग हो ही गया दिन में ही होते हैं दिन का कथन होता है सामान्य कथन ठीक है पंचदश पृष्ठ संख्या 2015 चतुर्थी पंक्ति लोके कर्मार्थ लक्षणम भवति न शब्द लक्षण वैदिक शास्त्रे यद उक्तम अस्ति तदनुसारेण वयम आचरण कुर्मः तो न शब्दार्थ लक्षण कथम नहीं वहां लौकिक बहुत सारे कर्म होते हैं ना तो उसमें तो वेद का कोई वचन या शास्त्र का वचन तो मिलता नहीं है ठीक है अब जैसे आपको माइक पकड़ना है कैसे पकड़ा जाए कैसे बोलना है शास्त्र का तो कोई वचन है नहीं वो होता तब तो करना ही पड़ता अब कैसे करना चाहिए भाई जिससे आवाज आ जाए ये तो लौकिक जो है ये कर्म कर्मार्थ लक्षण होगा ये ना कि शब्द लक्षण होगा शब्द लक्षण वर्तते नहीं शब्द लक्षण नहीं होगा वो परात्र संक्रांते वाग उक्ता अगर अगर कोई बात कही भी गई है और उससे पूरा सीधा नहीं भी आ रहा है तो जैसा प्रयोजन होगा उसको होगा कहें कि माइक ठीक रखो माइक ठीक रखो अब ठीक रखो मतलब तुमको बाजार में ठीक करवा के थोड़ा ना लाना है ठीक रखो मतलब ठीक पकड़ो ठीक पकड़ो का क्या मतलब है वो जो जिस तरह से आवाज आ सकती है सुनाई दे सकती है बस उस तरह से करना है ये अर्थ लक्षण होता है वहां वाक्य को जो का तो नहीं किया जाता है शास्त्र लिखित वहां पर अब जैसे कि काक दधि न्याय है काके प्यो दधि रक्षंताम अब कौओं से बचाओ ये तो कह दिया अब यहां पर शब्द लक्षण लेंगे या अर्थ लक्षण लेंगे कौन सी बुद्धि लगाएंगे यदि शब्द लक्षण लगाएंगे तो काष्ठ बुद्धि होगी और अर्थ लक्षण लगाएंगे तो तैल बुद्धि होगी तैल बुद्धि लगाते हैं ना वहां पर आचार्य भैया तो शब्द लक्षण में वर्तते तो वहां तो जो कहा गया है बस वैसा ही करना होता है दधि रक्षता में इति शब्द लक्षण अस्ति है दधि रक्षता में इति मुख्यम अस्ति काके भी तो गौण प्रयोग नहीं गौण प्रयोग दधि रक्षता में मुख्य अस्ति नहीं वो विशेषण लगाया है वो विशेषण लगाया दूसरा उदाहरण ले लीजिए कोई लोक में शास्त्र में जैसा कहा गया है वहां प्रयोजन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो करना है जैसे कि पीछे वो सारी बातें आई थी कि सोम का क्रय करना है दक्षिणा की भिक्षा करनी है तो वो प्रयोजन नहीं है वहां पर है उसके पास में लेकिन फिर भी कहा जा रहा है उस रूप में वो कहा गया है बस वो करना है अंततोगत्वा तो यूं मानेंगे कि वहां कहा गया है तो निष्प्रयोजन नहीं कहा गया है हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है हमें वैसा ही करना है लोक में तो हम अपनी समझ के अनुसार करते हैं नहीं ऐसा करने से ठीक है ऐसा करने से ठीक नहीं है हम अपनी समझ के अनुसार करते हैं वहां शब्द पर केंद्रित नहीं रहते हैं लेकिन जो शास्त्रीय बात होती है उसमें तो जैसा लिखा है बस वैसा वैसा करना है अपनी बुद्धिमानी लगाते हैं जैसा लिखा है बस वैसा करते जाओ अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी अस्मिन् एव पृष्ठे विवरणे तृतीया पंक्ति ब्राह्मण के लिए धर्मशास्त्र में परिग्रह का प्रतिषेध किया है अधिक से अधिक उसे एक वर्ष के लिए पर्याप्त अन्न आदि का परिग्रह का आदेश है तो अत्र मम प्रश्न ऋत्विजा दक्षिणा इच्छन्ति और तदपि अपरिमितम तद कथम भविष्यति अपरिमित इच्छा करते हैं ऋत्विक लोग सहस्रात अधिकम सहस्रेणापि आनयनम गमनम न भवति तत्र कथम संगति हाँ तो ये संगति नहीं लगेगी वहां पर संगति नहीं लगेगी तो शास्त्र विरुद्धम आचरण दी थी कौन ऋत्विजा नहीं अब उल्टा क्यों कर रहे हो इसको शास्त्र के उसको उल्टा कीजिए ना इसको
इसमें अन्नादि का परिग्रह कहा गया है, तो धान आदि जो है जैसे कि कुंभी धान्य है वो कुंभ में रखेंगे तो एक महीने लायक होगा और भंडार में रख लेंगे, साल भर के लिए रख लिया उन्होंने, उतना हो गया। तो अन्नादि उतना रखेंगे, धन तो रख सकते हैं और गाय आदि तो रख सकते हैं, वो तो याग आदि के काम आएंगी। आदि शब्द वर्तते भगवान अत्र, तो आदि में सर्वेषां पदार्थानां परिग्रह से निश्चित है। नहीं तो उसको गाय आदि को के एक साल के लिए रखेंगे, उसमें एक साल कैसे घटाओगे आप हजार पे आपत्ति कर रहे हो, हजार की छोड़ो आप एक गाय भी ले लोगे उसका एक साल से क्या संबंध है, एक साल से क्या संबंध है? आप कहोगे नहीं मैं तो ऐसी ही गाय लूंगा जो एक साल तक जीवित रहती हो। तत्र वर्तते बना तथा अर्थ, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, इसको आदि में मतलब आप सब चीजें अगर लोगे वो संगत नहीं होगा। जो चीजें उपभोग के लिए जैसे रोज खा रहे हैं ये कर रहे हैं वो खाने पीने की अन्न आदि है, ये एक साल के लिए आप लगा सकते हो। अब कपड़ा है, बोले मैं कपड़ा भी ऐसा ही खरीदूंगा जो एक ही साल चले, कोई दो साल भी चल जाता है, कोई ये नियम थोड़ा है कि इसका कि आदि का मतलब कि हमें एक साल चले उतने ही कपड़े रख लें, वो आगे भी चल जाता है, फट फट जाए कोई जरूरी थोड़ा है। ऐसी गाय आदि का भी है, कई साल तक रहती है वो, हर चीज एक साल के लिए। मकान भी कैसा बनाना चाहिए उसको, पन्नकुटी रहा एक अस्मिन वर्ष नहीं ब्राह्मण नाम गृहते तो तथे वस्ते एक साल जितना बने था चाणक्य तिष्ठति स्म और राजप्रसाद मध्य मतलब हर साल फिर नया बनाना चाहिए उसको, हर साल ऐसी कच्ची और वो ही होनी चाहिए उसके लिए, बनना चाहिए हर चीज ठीक है। पुस्तकें भी कैसी होनी चाहिए उसकी, उसके कागज कैसे होने चाहिए हैं, भोजपत्र भी पता नहीं ज्यादा ठहर जाते हो, एक साल ही क्यों, पुराने पुराने सैकड़ों सालों के रहते हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए। इसलिए इन सब से क्या लगता है कि हर जगह नहीं लगेगा ये आदि का मतलब हर जगह। अब आप शब्द को पर जोर दे रहे हो, आप शब्द पे ज्यादा जोर दे रहे हो कि शब्द में जो कहा है बस वैसा होना चाहिए। अब शब्द में तो इस बारे में कोई अलग से कहा नहीं गया, तो अन्न आदि जो अन्न आदि जैसे हैं वो ही लिए जाएंगे, बाकी हर चीजें नहीं ली जाएंगी वहां पर। खड़ाओ भी ऐसी होनी चाहिए जो बस एक साल ही चले ठीक है। हाँ बोलिए। एक विंशति 2019 हाँ द्वितीय पंक्ति नियतम व अर्थवत्वात् तो अत्र नियतम की कथम अनियतम प्राप्यते एवं प्रतीयते यदा क्षुधा भविष्यति तदा ग्रहिष्यति क्षुधा नास्ति चेत् न ग्रहिष्यति इति तो अनियतम भवति नियतम कथम वदति। अपर रात्र में जो व्रत है वो नियत है या अनियत है, तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ये तो नियतम वा अर्थवत्वात्, अर्थवत्वात् अनियतम भवति। हाँ सार्थक है चीजें, पीछे कहा गया ना था ये पयोव्रत आदि का जो कहा था उनको नियत कहा गया था ना, तो उसके लिए अर्थवत्वात् वहां हेतु दिया गया था। शास्त्र विधान आप तो नियतम भवितुमर्हति अर्थवत्वात् पुनः अनियतम भविष्यति, नहीं अर्थवत्वात् अनर्थकम तो अनित्यम स्यात्। देखो पीछे देखो आप 28वां सूत्र अविद्या सूत्र का भाष्य है दूसरी पंक्ति अविद्यमाने कुर्यादिति पूर्व पक्ष नियतम वा अर्थवत्वादिति उत्तर। अर्थवत्व होने से ये नियत है, सैवात्र न्यायो यह पूर्वत्र वही न्याय यहां पर है, तो ये तो पीछे से कह करके आ रहे हैं और उसी शैली में यहां पर पूर्व पक्षी ने कहा है नियतम वा अर्थवत्वात् स्याद इति। देखो ये 27वां सूत्र नियतम वा अर्थवत्वात् स्याद नियतम वा याच्या क्रयणम, याच्या और क्रय नियत है
अर्थवत्पाद मतलब अपूर्व को उत्पन्न करने, प्रयोजन वाले होने से अपूर्व को उत्पन्न करने से, अगर ये नहीं करेंगे तो अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। तो जब अपररात्र में व्रत के लिए कहा गया है तो उससे प्रयोजन है, क्योंकि उससे अपूर्व की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए अपूर्व तो लेना ही है, इसलिए नियत तो होगा, नियतम वा अर्थवत्पाद से आदि थी, उसके लिए ही तो यह है। वो तो परंपरा में आ ही रहा था, नियत सिद्ध हो ही रहा था, इसीलिए यह अधिकरण बनाया गया। और सिद्धांति ने कहा कि नहीं, यहां पर यह नियत नहीं है, भूख होगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तस्मात् न नियतम तस्मिन् काले व्रतम व्रतयितव्यमिति। ठीक है, द्वाविंशति पृष्ठ संख्या 2022। हाँ, तो अत्र सूत्रम वर्तते न चोदना विरोधात्। तो चोदना विरोधात् न इति पूर्व पक्षी वदति, तो यस्याम शाखायाम छागस्य विधानमस्ति तत्रापि चोदना विरोधम मन्यते किम्? नहीं, छाग के विधान पे तो ये कह नहीं रहा है ना, ये तो पशु शब्द पे केंद्रित है। अग्निशोमियम पशुम आलभते, पशु स्थान है यदि छागस्य ग्रहणम भविष्यति पशु चोदनाया विरोध भविष्यति इति पूर्व पक्षी वदति। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, तो यस्मिन् शाखायाम छागस्य मंत्रवर्णम वर्तते, वहां तो कोई बात नहीं, तत्र विरोधम भव नहीं, लेकिन वहां छाग का अर्थ ये दूसरा कर रहा है ना, बोले छाग, छाग अजावाचक नहीं है, आगे जाकर के वही अंतर कर रहा है, यहां तो पशु ही लेना चाहिए, और छाग है ये भी पशु अर्थ को ही बताने के लिए है, ये छाग अजा मानी पशु विशेष को बताने के लिए नहीं है, पूर्व पक्षी का ये मत है। अस्मिन् सूत्रे तो तथा न, इसमें तो नहीं है, ठीक है, आगे जाकर के होगा। ये भी ये सामान्य विरोध ये देख रहा है कि वहां पशु है यानी पशुत्व, और अजा पशु, पशुत्व अलग है, नीचे लिखा भी है भाष्य में, तो पशुत्व अलग है और अजा अलग है, यही इसमें परस्पर विरोध है। तो यस्मिन् शाखायाम छागस्य मंत्रवर्णो अस्ति तस्मिन्, उस पर तो प्रश्न नहीं उठेगा, ठीक है। पृष्ठ आर्षयम वृणीते त्रीन वृणीते प्रथमा पंक्ति, तो अत्र वाक्य भेद न नहीं, दो वाक्य हो गए ना, आर्षयम वृणीते त्रीन वृणीते, दो वाक्य हैं यहाँ पर, परस्पर संबंधम खत्म कर, संबंध तो जुड़ जाएगा ना, आर्षयम वृणीते आर्ष होना चाहिए और उसमें तृत्व का विधान किया जा रहा है, तीन होने चाहिए, अलग से कर दिया। वाक्य एक वाक्यता, वाक्य एक वाक्यता भले ही मान लें, संबद्ध हैं इसलिए, लेकिन दो वाक्य तो मान ही सकते हैं, क्योंकि विभाग करने पर भी साकांक्ष नहीं है। हाँ, त्रीन वृणीते मामा, तो वो तो साकांक्ष बनेगा, ठीक है, भाई त्रीन मतलब कौन, तीन, त्रीन वृणीते कौन है तीन, वो क्योंकि संज्ञा ये संख्या तो है, तो एक तरह से सर्वनाम हुआ, तो वो कौन है तीन, आकांक्षा रहेगी, तो बोले आर्षय है, वो ऊपर से आ जाएगा, आर्षयम वृणीते तो अपने आप में है, तो दो वाक्य मान लीजिए इसको, वृणीते दो बार पढ़ा गया है इसलिए। अंतिमा पंक्ति अस्मिन् एव पृष्ठे इह न मंत्रस्य सामर्थ्यम, तो कथम मंत्रस्य सामर्थ्यम नास्ति इति पूर्व पक्षी पश्यति। इन्होंने कहा ना कि जो यहां तो वहां तो सामर्थ्य है त्रीन की, तो मंत्र से जो लिया गया ये तो मंत्र वर्ण है, और उधर विधि पशु की साक्षात कही भी है, तो मंत्र वर्ण विधि को बाधित नहीं कर सकता, वो दुर्बल है, मंत्र वर्ण से जो चीज निकल के आ रही है वो विधि को बाधित नहीं कर सकती दुर्बल होने से, इसलिए उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो उसको, यह ना मंत्र से सामर्थ्यम, यहां तो साक्षात है ना, आर्षयम वृणीते तीर्ण वृणीते, यहां तो बलवान है, दोनों समान है, हो जाएगा, वहां तो विधि वाक्य अलग है, मंत्र वर्ण मंत्र से निकाल करके ला रहे हैं, वो अनुमानिक है, यह साक्षात कथन किया गया है। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज का पाठ, प्रणव ध्वनि।
नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते।